शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मुलजिमा नगमा ने अपने हाथों किए उन दो कत्लों का एक बार जुर्म कर लिया है, इसलिए मेरी अदालत से यह दरख्वास्त है कि अदालत वक्त जाया न करते हुए मुलजिमा नगमा को इंडियन पिनल कोड जेर दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म सुना दिया जाए। योर ऑनर, इस मासूम चेहरे की तरफ देखिए, क्या ये आपको कातिल दिखाई पड़ती है? क्या ये आपको पेशेवर मुजरिम दिखाई पड़ती है? नहीं योर ऑनर, नहीं। ये मासूम लड़की अपने ही लोगों के हाथों शिकार हुई एक जीती जाती बर्बादी की तस्वीर बनी अदालत के सामने खड़ी है। अदालत जानती है कि नगमा ने एक नहीं दो दो कत्ल किए हैं, पर मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुलजिमा नगमा को कोई भी सजा सुनाने से पहले नगमा अदालत को अपनी बीती कहानी सुनाए। मुलजिमा नगमा, अदालत ये जानना चाहेगी कि आपकी जिंदगी से इन दो कत्लों का क्या ताल्लुक है। जज साहब, ये कहानी उस दिन से शुरू हुई जिस दिन मैं अपनी सबसे प्यारी सहेली रुखसार के साथ ऊटी जाने वाली थी। जहरा दी, जहरा दी, स्वीटी को दूध पिलाना। हाय फ्रेंड, वेलकम वेलकम। अगर मैं लड़का होती तो जरूर तुझसे शादी करती।
स्माइल्स का जमाना है मेरी जान, चाहो तो ये भी हो सकता है। चलो चलते बैठते हैं। जोहरा भी सबके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आओ। आओ आओ बैठो बैठो। अच्छा नगमा, कलूटी चलने की तैयारी कर ली ना? सॉरी मेरी जान, मैं नहीं चल सकती। क्यों? रुखसार, अब्बू और अम्मी के इंतकाल के बाद मैंने मामू जान और मुमानी जान को अपने ही पास बुला लिया है। अब वही अब्बू की प्रॉपर्टी का काम देखते हैं। अब्बू के कुछ बेईमान पार्टनर्स ने हमारी काफी प्रॉपर्टी हड़प कर ली। उसी के सिलसिले में मुझे दिल्ली हाईकोर्ट जाना है, फिर वहीं से फैशन शो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए रोम और लंदन जाना है। पूरे एक महीने का प्रोग्राम है। लगभग यार, तूने सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। अरे ऊटी में तो बड़े जलवे हैं, कोई ना कोई सलमान खान आमिर खान मिल ही जाएगा। अरे रहने दे, मुझे तो कादर खान या मजहर खान का भी चांस नहीं लगता। थैंक यू। चल यार, तुझे तेरा ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट मुबारक हो। देख देख, तू वहाँ मत आना। कॉलेज में ब्यूटी क्वीन बनकर तूने मुझे नंबर 2 बना दिया था, वहाँ तो मैं ही नंबर 1 बनूंगी। यार हमेशा मत तुझे सिखाई है। हाँ नगमा, रुखसार हमेशा तुझसे पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नंबर 1 ही रही है। अब तू भी नंबर 1 होके दिखा दे। लेकिन वहाँ तो मेरा ही चांस है, क्योंकि तुम सबकी और इसकी दुआएं मेरे साथ है। खुदा करे तू हमेशा नंबर 1 रहे। अच्छा चले। हाँ चले। खुदा हाफिज़ नगमा। मैंने आपको इसी पोज इसी अदा में देखा था। क्या कहूं, कैसे कहूं, अल्फाज कहां से ढूंढूं, कैसे मेरे महबूब की तारीफ करूं। लेकिन तुम इस दुनिया में हो भी या नहीं हो, हकीकत हो या सिर्फ ख्याल, जो भी हो मेरी मोहब्बत हो। बहरहाल एक्सक्यूज मी। यस। तो जनाब ये आपके ख्यालों की मलिका हैं? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? आपकी जुबानी। वाकई साहब, ये पेंटिंग तो किसी शायर का तसव्वुर है, बिल्कुल किताबी चेहरा है। हसीनो, नाजनीनो, महजबीनो, अगर आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, तो मैं इश्क के चंद लम्हात अपनी महबूबा के साथ गुजार लूं। इतना तो बता दीजिए जनाब, क्या इनसे कभी आपकी मुलाकात हुई है? क्या आप जानते हैं कि ये कौन है? जी हाँ, मुलाकात तो रोज ही ख्वाबों में होती है। बस इतना जानता हूँ ये मेरी महबूबा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आशिक तो मिल गया। मेरा आशिक? वहाँ देख, तेरी पेंटिंग बना रहा है। मेरी पेंटिंग बना रहा है? पागल तो नहीं हो गई? अरे देखेगी तो खुद पागल हो जाएगी। किसे देखकर? पेंटिंग को या पेंटर को? अरे दोनों को। चलो देखते। वो रहा। पेंटर साहब जी, फरमाइए। इश्क झाड़ चुके अपनी महबूबा की पेंटिंग के साथ? अजी मोहतरमा, ये तो जिंदगी भर का इश्क है। वैसे आप फरमाइए, आपने फिर आने की तकलीफ क्यों की? इसलिए कि कभी कभी ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं। अगर यकीन ना हो तो मुड़कर देखिए। ये हकीकत है या मैं जागते हुए ख्वाब देख रहा हूँ? जी नहीं, मैं कतई वहम नहीं, वाकई हकीकत हूँ। इतनी हैरानी से क्या देख रहे हैं? अजी मैं क्या, इन्हें तो खुदा भी देखे तो हैरान हो जाए। वाह वाह, क्या खूब कहा है।
खुदा भी देखे तो हैरान हो जाए। जवाब हो दुनिया में आए
वो शबाब हो। दुनिया में पहली बार खिला वो गुलाब हो। हैरान देख कर हो खुदा। चली गई? खैर वो चली गई तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। बाबा ना, मैंने आज उसे पहली बार देखा है। देखकर कैसा लगा, प्यार हुआ या होने वाला है? छोड़ो यार, वो मेरे ख्वाबों का शहजादा नहीं है। आखिर उसने तेरी पेंटिंग बनाई कैसे? हाँ यार, बात तो हैरानी की है। बस आज की रात उसके बारे में सोचती रहे, सुबह होते होते ही प्यार हो जाएगा। कुछ समझ में आया? कुछ कुछ आ रहा है, मगर मेरी समझ में सब कुछ आ गया। ए मिस्टर, व्हाटएवर योर नेम इज। जी असलम कहते हैं मुझे। वैसे आपका इसमें शरीफ? ख्वाबों में बसते हैं हम, ख्यालों में रहते हैं हम। ख्वाबों ख्यालों में आप सिर्फ इश्क फरमाते रहे, कभी नाम नहीं पूछा। अजी छोड़िए, नाम में क्या रखा है। वैसे कल से सितारे बहुत बुलंद हैं हमारे। आंखें बंद करता हूँ तो ख्वाबों में खुशबू बिखेरती हुई आप आ जाती हैं, और आंखें खोलता हूँ तो मुस्कुराती हुई मेरे सामने खड़ी होती है। आपके ख्वाबों ख्यालों में मैं नहीं, मेरी कोई डुप्लीकेट आती रही है जिसकी ये तस्वीर है। ये तस्वीर तो आपकी है, मैंने खुद खींची अपने कैम। अल्लाह मियाँ, जिंदगी में पहली बार चक्कर चलाया और पकड़े गए। तो तस्वीर पसंद आई आपको? शट अप, किसी भी अनजान लड़की की चोरी छुपे तस्वीर खींचना, उसकी पेंटिंग बनाना, जबरदस्ती मोहब्बत का इजहार करना, शर्म नहीं आती आपको? अजी इश्क में थोड़ा बहुत चक्कर तो चलाना ही पड़ता है, इसलिए देखिए ना, मैं 50% तो आपके इश्क में कामयाब हो गया। अजी वो कैसे? वो ऐसे कि 50% तो मुझे इश्क है इनसे, और बाकी 50% अगर ये हाँ कर दें तो 100% हो जाएगा। लगता है कोई पागल है आप। अजी पागल नहीं, दीवाना। अब इनका ख्याल दिमाग झटक दीजिए। अजी मैं तो बुरी तरह अटक गया हूँ, कैसे झटकूँ? अब किसी और की तस्वीर खींचकर उसकी पेंटिंग बनाइए। जी मैं कोई पेंटर थोड़ी हूँ, वो तो किसी पेंटर से बनवाई थी। तो हुजूर सिर्फ इनकी जुल्फों पर ब्रश चला रहे थे? जी नहीं, इनके दिल में अपनी मोहब्बत के तीर चला रहा था। बहुत गलत दिल पर निशाना रखा है आपने, कोई और दिल तलाश कर लीजिए। अजी ऐसा ना कहिए, वरना इस दिल को इश्क का रोग लग जाएगा, बीमार हो जाएगा, गरीब बेमौत मरा जाएगा बेचारा। मैं कहती हूँ मेरे पीछे मत आओ। तो और किसके पीछे जाऊँ, ये सब तो सिस्टर जैसी लगती हैं। What? आपके सब आइडिया फ्लॉप हो गए हैं जनाब, आप कोई नया आइडिया सोच कर आए। नया आइडिया? तुम्हारे पास
चलो तुम चांद सितारे भी संग चले, जब तुम चलो तुम चांद सितारे भी संग चले। कहते हैं कि कुछ ऐसी अदा है तुम्हारी सुनाओ, उन पहाड़ियों में तुम्हारी सैर और तफरी कैसी रही? दादा हुजूर, वो पहाड़ियां इतनी हसीन कभी नहीं लगी जितनी कि इस बार लगी। वैसे बेटे तुम्हारे गालों की सुर्खियां बड़ी चुगलियां खा रही हैं। ये नई चमक कहां से आ गई? क्या कोई चांद हाथ लग गया है क्या? जी हाँ दादा हुजूर, हमने सवेली के लिए एक चांद सा चेहरा चुन लिया है। वाह बेटे, अगर हमें पता होता कि ऊटी से तुम हमारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लाओगे तो हमने तुम्हें पहले ही ऊटी भेज दिया होता। लड़की के वालिद साहब कौन हैं? जी उनका नाम अल्ताफ अहमद साहब है, वो इसी शहर में असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर है। हाँ हम जानते हैं उन्हें, लेकिन उसका नाम क्या है? जी रुखसार। अरे नवाब साहब, आप मुझ गरीब के घर में कैसी बात करते हैं? अल्ताफ अहमद साहब, आप तो बहुत दौलतमंद आदमी हैं। मुखबरों ने बताया है कि आपके पास कोहनूर हीरा है। क्या मजाक फरमा रहे हैं नवाब साहब? नहीं समझे ना, हम आपकी बेटी रुखसार की बात कर रहे हैं।
तरह उसको नूर हीरे की चमक हमें भी दिखा दीजिए, जिसकी चमक ने हमारे पोते असलम की आंखें चकाचौंध कर दी हैं। जी मैं समझ गया नवाब साहब, रुखसार ने उटी से आकर मुझे सब कुछ बता दिया था। रुखसार, माशाल्लाह। आदाब। जीती रहो बेटी। असलम मिया, आप भी अंदर आ जाइए। भाई पहले इनसे मिलो, रुखसार के वाले। आदाब। जीते रहो बेटे। बेटी, असलम ने तुम्हें पसंद किया, कोई ताज्जुब की बात नहीं, मगर तुम्हें इस उल्लू में क्या पसंद आ गया? अच्छा तो अल्ताफ अहमद साहब, आप ये रिश्ता मंजूर करके हमें इज्जत बख्शेंगे? नवाब साहब, हम दोनों की रजामंदी से पहले ही ये रिश्ता इन दोनों ने कबूल कर लिया है, लिहाजा अब हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अल्ताफ अहमद साहब, अब रुखसती की रस्म अदा कर दी जाए। जी नवाब साहब। छोड़ी न जाए हाँ।
सुभान अल्लाह। खुदा नजरे बद से बचाए, लगता है सारी कायनात का हुस्न आज की रात तुम्हारे चेहरे पे सिमट आया है। होठों पे नजाकत है, आंखों में शरारत है, सांसों में बगावत है, धड़कनों में चाहत है। किसी शायर ने शायद इसीलिए कहा है, शबे वसल है, गुल कर दो इन चिरागों को, खुशी के मौके पर क्या काम चलने वालों का। आदाब दादा हुजूर। आदाब दादा हुजूर। अल्लाह तुम दोनों को सलामत रखे। बेटी, ये हमारी तरफ से। शुक्रिया दादा हुजूर। अच्छा तो हनीमून पर कहाँ जाने का इरादा है? दादा हुजूर, वहीं, वहीं। ऊटी? जी। असलम, रुखसार। आदाब दादा। जीते रहो जीते रहो। अरे भाई, जब से गए हो ना कोई खत, ना तार, ना टेलीफोन, खत कहाँ कहाँ घूम कर आए? दादा हुजूर, हम जहाँ भी थे दो चीजें हमेशा हमारे साथ थी, एक रुखसार, दूसरी आपकी याद। सुन लिया रुखसार, तुम्हारी खुशामद करते करते असलम को खुशामद करने की आदत पड़ गई है। हाँ तो असलम बेटे, ये बताओ कि तुम इतने महीने बाहर घूम कर आए हो, कोई जान सा खूबसूरत खिलौना साथ लाए हो? किसके लिए दादा हुजूर? अरे भाई, हमारे लिए, जिससे हम खेल कर अपने बुढ़ापे का दिल बहला सकें। मेरा मतलब है, कोई खुशखबरी? खुशखबरी? हाँ दादा हुजूर, खुशखबरी खुशखबरी है। पिछले चार महीने से हम इतने खुश हैं कि खुशी खुशी है। तुम तो बेवकूफ हो। जी, आपने हमें बेवकूफ फरमाया दादा हुजूर? और नहीं तो क्या, इतना भी नहीं समझते? अरे हम दादा से परदादा बनना चाहते हैं। ओ, वो खुशखबरी? हाँ। दादा हुजूर, आप एक मिनट में पूछ कर आते हैं। हाँ। अजी बेगम साहिबा, कहाँ हैं आप? हम यहाँ हैं जनाब, फरमाइए। दादा हुजूर पूछ रहे हैं, कोई खुशखबरी है? जी हाँ, खुशखबरी ही खुशखबरी है। लो, नहीं समझी ना? मैं भी नहीं समझा था, तो दादा हुजूर ने मुझे एक खिताब दे दिया बेवकूफ का। अब आप भी नहीं समझी है, मैं आपको क्या खिताब दूं? असलम साहब, दादा हुजूर ने जो आपको खिताब दिया है उसके लिए मुबारकबाद कबूल कीजिए, और ये बेशकीमती खिताब अपने पास संभाल कर रखिएगा। वैसे जनाब, मैं सब समझ गई हूँ। अच्छा, समझ गई? तो फिर आप माँ बनने वाली हैं? जी नहीं। जी नहीं? जी हाँ जनाब, अभी तो खेलने कूदने के दिन है, घूमने फिरने के दिन है, अभी से बच्चे हो जाएंगे तो कुछ समझे? ओह गॉड, तो फिर मैं दादा हुजूर से क्या कहूंगा? वो क्या है कि वो चाहते हैं मैं उन्हें पर दादा बना दूं, और तुम्हों की कोऑपरेट ही नहीं कर रही। अब ऐसी मुश्किल आन पड़ी है तो हम कोऑपरेट करेंगे, आपका दिल हम कैसे तोड़ सकते हैं जनाब? अरे हम आपकी इन्हीं अदाओं पे तो मरते हैं, तो फिर हम दादा हुजूर को हम दोनों की तरफ से परदादा बनाने का वादा करके आते हैं, और फिर वादा पूरा करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हाय अल्लाह, शर्म कहीं की, शर्म नहीं आती। दादा हुजूर, दादा हुजूर, दादा हुजूर, फिलहाल तो ऐसी कोई खुशखबरी नहीं है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द हम आपको परदादा बना देंगे। आमीन। अबू जान, अबू जान। अरे बेटी रुखसार,
वालेकुम अस्सलाम। कब लौट के आई और कहाँ कहाँ घुमाई मेरी बेटी? अबूजान आज ही आई हूँ। और अबूजान यूँ लगता है जैसे सारा जहान घूम कर आई हूँ। खुश तो है ना बेटी? हाँ अबूजान बहुत खुश हूँ। आ बेटी आ। चाचा जान कहाँ है वो वादा खिलाफ बेवफा मतलब परस्त, कहाँ है वो? रुखसार मेरी जान, शादी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन मैं तुझसे बहुत खफा हूँ। अरे भाई आप दोनों सहेलियाँ अपने गिले शिकवे दूर करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। अच्छा ये बता, तूने मेरे बगैर शादी कैसे कर ली? अरे बस ऊटी में असलम से मुलाकात हुई, फिर प्यार हुआ और फिर नो मंगनी, डायरेक्ट निकाह। अच्छा ये बता, तेरा असलम देखने में कैसा है? बहुत हैंडसम है, मिजाज बहुत प्यार भरा। ओहो तुझसे मोहब्बत कितनी करता है। आसमान में जितने चांद सितारे हैं उतने। ओहो अब तो तेरे असलम से आज और अभी मिलने की ख्वाहिश हो रही है। तू कह तो मैं उन्हें तेरे पास छोड़कर चली जाऊं? हाय अल्लाह ऐसा जुल्म मत कर, मैं अभी कुमारी हूँ। दुआओं में क्या मांग रही थी? आपके लिए खुशियाँ, दादा हुजूर के ख्वाब की ताबीर और इस घर के लिए प्यारा सा चांद का टुकड़ा। आमीन सुम्मा आमीन। ओके बाय रुखसार। बाय बाय। नवाब साहब मैंने आपकी बहू का फिर से चेकअप किया, मेरा ख्याल बिल्कुल सही है, वो कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन फिर भी आप शहर के किसी स्पेशलिस्ट से उनका चेकअप करवा लीजिए। पीर बाबा मेरी जिंदगी की तमाम खुशियां ले लो, लेकिन उन खुशियों के बदले में हमें औलाद की खुशी दे दो। आमीन। कहिए डॉक्टर साहिबान आप लोग किस नतीजे पर पहुंचे? सॉरी नवाब साहब, हम सब डॉक्टरों की यही राय है कि आपकी बहू माँ नहीं बन सकती। ऐसा ना कहिए डॉक्टर साहब, क्या मेडिकल साइंस में ऐसी कोई इजाद नहीं जिससे हमारी बहू सिर्फ एक बार माँ बन सके? नहीं नवाब साहब, आई एम सॉरी। जान इधर आप खामोश हैं, परेशान हैं, उधर दादा हुजूर। हर इन सब की वजह सिर्फ मैं हूँ। तुम कैसे? इसलिए कि मैं माँ नहीं बन सकती ना। तो क्या हुआ, दुनिया में ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनकी कोई औलाद नहीं होती। लेकिन मैं अपना नाम उन बहुत से लोगों में नहीं लिखवाना चाहती, मैं माँ बनना चाहती हूँ। हैरान हो गए ना, लेकिन मेरे पास तो इसका वो इलाज है जो दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। बस आपकी जरा सी हाँ मुझे माँ बना देगी, इस घर में खुशियों की बहार आ जाएगी, दादा हुजूर से किया हुआ वादा भी पूरा हो जाएगा और हमारे आंगन में एक चांद का टुकड़ा भी आ जाएगा। लेकिन रुखसार यह कैसे मुमकिन है? मुमकिन है असलम, तुम दूसरी शादी कर लो। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ असलम, तुम्हारी दूसरी शादी हमारी हर मुश्किल का हल है। नहीं रुखसार नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। एक जुल्म तो वैसे ही कुदरत ने तुम्हारे पर किया है और फिर दूसरा जुल्म मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सौतन लाकर करूं? नो नेवर। लेकिन असलम
तुम्हारी बीवी मेरी सौतन नहीं, मेरी बहन होगी। उसकी औलाद मेरी औलाद होगी। जब एक नन्ना मुन्ना हमारे आंगन में खेलेगा दौड़ेगा तो सोचो दादा हुजूर को पर लग जाएंगे, वो पर दादा बन जाएंगे, तुम बाप बन जाओगे और मैं माँ। नहीं रुखसार, नहीं, खुदा के लिए मुझे कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर मत करो जिसकी बुनियाद तुम्हारे आंसुओं पर रखी जाए। मुझे मेरी अपनी नजरों में मत गिराओ, मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करता हूं। आज से मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है, लेकिन मैं वो हरगिज़ नहीं करूंगा जो तुम चाहती हो। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए इनकार कर रहे हैं। आपको मेरे उसी प्यार की कसम है, मेरी बात मान लीजिए। रुखसार, खुदा के लिए मेरे प्यार को मत बांटो, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा। आई लव यू रुखसार, आई लव यू। क्या बात है भाई, आज नाश्ते की टेबल पर बड़ी खामोशी है। दादा हुजूर, हमारे मजहब में चार शादियों की इजाजत क्यों है? सही मायनों में चार शादियों की इजाजत, इस्लाम ने औरत की हिफाजत और उसे दुनिया में इज्जत से जिंदगी गुजारने के लिए दी है। जैसे अगर कोई औरत बेवा है तो उसे शादी करना जायज है। सही फरमाया आपने। और अगर कोई लड़की या औरत बेसहारा है, बजाय इसके कि वो बच्चलन बनकर अपना पेट भरे, अगर कोई शादीशुदा आदमी उससे निकाह कर लेता है तो ये सवाब का काम है। जी दादा हुजूर। इसी तरह औरतों के बहुत से मसले हैं जिन्हें इस्लाम ने बड़ी खूबी से हल किया है। जैसे? जैसे कि अगर पहली बीवी से औलाद ना होती हो, नस्ल और खानदान खत्म होने वाला हो, तो इस्लाम ने दूसरी शादी करने की इजाजत दी है, लेकिन इसके लिए भी पहली बीवी की इजाजत जरूरी है। सुन लिया असलम साहब? दादा हुजूर, रुखसार मुझे कल रात से परेशान कर रही है कि वो मां नहीं बन सकती, इसलिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। बहू, इसमें हर्ज ही क्या है दादा हुजूर? लेकिन मुझे इसकी बात कतई मंजूर नहीं। मैं दो दिन बाद गोवा जाने की बजाय आज ही चला जाता हूँ, वरना ये मुझे यहाँ चैन से नहीं रहने देगी। अजी, दूसरी शादी करने पर तो बीवियां खफा होती हैं, शौहर तो बड़े खुश होते हैं, और आप हैं कि? सुना आपने दादा हुजूर, आप जाइए और मेरा सूटकेस तैयार कीजिए, और आज आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं आएंगी। छोड़ने तो मैं जरूर आऊंगी। तो फिर आप दूसरी शादी का जिक्र नहीं करेंगी? नहीं करूंगी साहब, मगर गोवा पहुंचकर हमारी इल्तिजा मत भूल जाना। हाय रुखसार मेरी जान, कहां से आ रही हो इस वक्त? असलम को एयरपोर्ट छोड़कर तेरी खैरियत पूछने चली आई। और तू सुना, शादी वादी करने का कोई इरादा है या नहीं? अरे तेरी तरह लकी नहीं मैं, जो पहली बार उठी गई और सलमान खान आमिर खान ने सही असलम खान ही मिल गया। फैशन शो और ब्यूटी कॉन्टेस्ट के चक्कर में सारी दुनिया घूम चुकी हूँ, मगर अपने दिल की घंटी बजाने वाला कोई नहीं मिला। खैर तू सुना, तेरी मैरिज लाइफ कैसे गुजर रही है? रुखसार, क्या बात है मेरी जान? नगमा, मैं माँ नहीं बन सकती। ओह माय गॉड, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर्स की यही राय है, मेरी किस्मत में माँ बनना नहीं लिखा। असलम और दादा हुजूर, दोनों के होंठों से तो जैसे मुस्कुराहट ही रूठ गई। वो दोनों, क्या वो दोनों हालत सलूक करते हैं तेरे साथ? नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यार करते हैं मुझे, लेकिन मैं उन्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकती। असलम का खानदान मुझ पर ही खत्म हो जाएगा। नगमा, मैं उस हवेली में औलाद की खुशियां देखना चाहती हूँ, मुस्कुराहटों से खिलखिलाता एक नन्ना सा फूल देखना चाहती हूँ जो असलम की औलाद कहलाए। लेकिन ये तो अल्लाह की मर्जी है रुखसार, हम उसकी मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं? अल्लाह की मर्जी में सिर्फ अंधेरे ही तो नहीं होते नगमा, कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी तो होती है। मतलब? तू
वो उम्मीद की किरण है नगमा। मैं कैसे? आज ही आंचल फैलाकर बहुत बड़ी कुर्बानी मांगने आई हूँ तुझसे। रुखसार, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, तो वादा कर मेरा ये आंचल खुशियों से भर देगी। हाँ हाँ, मैं वादा करती हूँ, मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी। तू बोल तो सही, तू असलम से शादी कर ले। रुखसार, तू पागल तो नहीं हो गई? मैं असलम से, तेरे शौहर से शादी कर लूं, तेरी ही सहेली होकर तेरी सौतन बन जाऊं, तुझसे तेरा शौहर बांट लूं? नहीं रुखसार, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। खुदा के बाद तेरे सामने आंचल फैलाया था, उसकी रहमत नहीं हुई, तूने भी ठुकरा दिया। रुखसार, मेरी जान मेरा ऐसा इम्तिहान न ले, अगर तुझे मेरी दोस्ती पर शक हो तो मुझे जहर दे दे। तुझे जहर क्यों दूं? तू तो मेरी लाडली सहेली है ना, जहर तो मैं खुद पी लूंगी। तू चारा सुबहाने मेरी मैयत पर आएगी ना? रुखसार, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं है नगमा, आजकल तो जहर कदम कदम पर मिलता है, यहाँ नहीं तो कहीं और जाकर खा लूंगी। यहाँ जहर खाती तो तेरी बाह में जान सुकून से निकलती। तू खुद से घबरा कर खुदकुशी कर लेना, कहाँ की अकलमंदी है रुखसार? नगमा, जिनके लिए खुदा के दरवाजे बंद हो जाएं और दोस्तों के दिलों में जगह भी ना हो, उनका जीना क्या मरना क्या? मेरी दोस्ती पर इल्जाम मत धर रुखसार, मगर जो तू मांग रही है वो मेरे बस के बाहर है। क्या बस के बाहर है? अरे पगली, तू समझती है तू मेरी सौतन बन जाएगी? मैं पूछती हूँ, क्या तू मेरी बहन बनकर मेरे साथ नहीं रह सकती? क्या तेरी औलाद की माँ मैं नहीं बन सकती? क्या कोई और रास्ता नहीं है रुखसार? नहीं है नगमा, मुझे इस आग में ना डाल, मैं जल कर राख हो जाऊंगी। मैं तुझे फूलों की तरह रखूंगी, बस एक बार तो असलम के बच्चे की माँ तो बन जा। लेकिन क्या असलम इस बात के लिए राजी है? नहीं नगमा, तुझे असलम को मुझसे भी ज्यादा प्यार करना होगा, उनके दिल में अपना प्यार बसाना होगा। या खुदा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हाँ कह दे नगमा, मेरी दोस्ती पर कुर्बान हो जा। अगर यही कुर्बानी मांगने मैं तेरे पास आती तो तू क्या करती रुखसार? खुदा तुझे कभी ऐसी मुश्किल में ना डाले, अगर तुझ पर ऐसी घड़ी आती तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे देती। ठीक है रुखसार, तेरी दोस्ती के खातिर आज मैं ये भी भूल जाती हूँ कि मैं जो करने जा रही हूँ वो गलत है या सही। नगमा, नगमा, मेरे अल्लाह मेरी सारी खुशियां नगमा के नाम कर दे। पर नगमा, असलम को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरी सहेली है। रुखसार, असलम कहाँ है? होटल रमादा इन गोवा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने हमें माफ कर दिया? थैंक यू वेरी मच। अरे, ओह माय गॉड, आई एम वेरी सॉरी। ओह माय गॉड, हमने तो आपको पूरा ही भिगो दिया। वाह, पहले भिगोना फिर पोंछना, लेकिन इस परेशानी से बचने का तरीका ढूंढ लिया है मैंने। और वो क्या तरीका है जनाब? आप यहाँ स्विमिंग करें और मैं चाय अपने कमरे में दरवाजे बंद करके पीऊंगा। एक्सक्यूज मी जी, आप स्विमिंग नहीं करते? कभी कभी। तो इस कभी कभी को अभी अभी में बदल दीजिए ना। जी, जब आप इतना ही भीग चुके हैं तो पूरा ही भीग लीजिए, स्विमिंग पूल में हमारे साथ भी डूब लीजिए। एक शरीफ आदमी को डूबने के लिए चुल्लू भर पानी बहुत होता है, और आपने तो हमें ढेर सारे पानी में डुबो दिया।
एक्सक्यूज मी, मुझ गुस्ताख को नगमा कहते हैं, क्या मैं इस भीगे हुए शरीफ आदमी का नाम जान सकती हूँ? जी हाँ, असलम कहते हैं मुझे। हाय अल्लाह, कितना प्यारा, कितना हसीन नाम है असलम। और आप इतने उदास होके बता रहे हैं, लगता है आपको अपना नाम पसंद नहीं। जी नहीं, बहुत पसंद है। और मेरा नाम? ठीक है, आपकी सूरत को सूट करता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय। आप? कितना हसीन इत्तेफाक है। जी हाँ, है तो। है ना? तो आइए, इसी बात पर आज रात का खाना आपके साथ खाते हैं। वैसे आप बड़ी बेतकल्लुफ हैं। जी, बेतकल्लुफ भी और जिंदा दिल भी, तो चलें। मैं भी कोई पुराने ख्यालात का नहीं, चलिए आज रात का खाना आपके साथ। लेकिन क्या आप अकेली हैं? अकेली तो नहीं, मेरे साथ मेरे नेक इरादे हैं। इतने गौर से क्या देख रही हैं आप? जलती हुई शम्मा एक कहानी सुना रही है, एक धागे का साथ निभाने के लिए शम्मा खुद ही जली जा रही है। वाह, बहुत खूब, बड़ा शायराना मिजाज पाया है आप। वैसे आप रहने वाली कहाँ की हैं? जी, हैदराबाद की। हैदराबाद? ताज्जुब है, अरे हम भी तो हैदराबाद के रहने वाले हैं। देखा, इसे कहते हैं हसीन इत्तेफाक, कहते हैं ना। एक्सक्यूज मी सर, फोन फॉर यू। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हेलो, कौन? आपके दिल की धड़कन बोल रही हूँ। कौन है आप? मैंने पहचाना नहीं। अरे वाह जनाब, दो दिन में अपनी मोहब्बत को भी भूल गए? ओ तुम, तुम्हारी आज बहुत याद आ रही थी। सच्ची जाने मन, वैसे मेरी याद के साथ मेरी इल्तजा भी याद है या नहीं? कौन सी इल्तजा? अरे वाह, कमाल है, भूल गए जनाब? वही इल्तजा, दूसरी शादी वाली। नहीं, ऐसी बातें करके मेरा दिल मत दुखाओ। जाने मन, अगर आप मेरी खुशी अपनी खुशी बना ले तो अपनी रुखसार पे बड़ा करम होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। असलम, मेरी मोहब्बत, मेरी ममता का हक मुझे दे दो। लिल्ला, मेरी ये ख्वाहिश ना ठुकराओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। का फोन था? असलम साहब, सब खैरियत तो है? जी हाँ, सब ठीक है। करीब तो इस वक्त हम हैं आपके, मगर जिस किसी का भी फोन था आपसे बहुत दूर होकर भी आपके काफी करीब है। कहीं आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? जी जी नहीं। तो आपकी बीवी? जी वो। अरे सूरत से ही आप शौहर नहीं लगते, तो फिर शादीशुदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी नहीं, मैं, एक्सक्यूज मी मैडम। ठीक है, मैनेजर साहब से कह देना कि मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगी। ओके मैडम। कहीं जाना है क्या आपको? जी हाँ, लेकिन जहाँ जाना है वहाँ आपको भी साथ ले जाना है। जी मुझे? जी, होटल वालों की तरफ से आज उन्होंने अपने मेहमानों के लिए एक हसीन शाम सजाई है, उसमें मैं भी हिस्सा ले रही हूँ। आप आएंगे ना असलम साहब?
ख्वाब नहीं, हकीकत हूँ। जी फरमाइए। एक छोटी सी इल्तिजा है जनाब, कि अगर आप नींद में ख्वाब देखें तो ख्वाब में सिर्फ हमें ही देखेगा, किसी और को नहीं। और अगर हमारी जुदाई में नींद ना आए तो जागते में भी हमारे ही ख्वाब देखेगा, किसी और के नहीं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जनाब असलम साहब, जरा यहाँ तशरीफ लाइए। जनाब, हमें तो आपसे वफा की उम्मीद थी। जी, मगर आप तो बड़े बेवफा निकले। ये क्या कह रही हैं आप? हमने आपसे रात कहा था कि सोते जागते ख्वाबों ख्यालों में आप हमें ही देखिएगा, किसी और को नहीं। कहा था ना? जी कहा था। तो फिर बताइए, आपने हमें ख्वाबों में देखा? ओ जी नहीं। हमें सब मालूम है, आप तो कहीं और बिजी थे ना। कहीं और? जी हाँ, बेवफाई की भी हद होती है। कल रात आप एक अकेली लड़की के कमरे में घुस गए। जी मैं? जी हाँ आप, और उसे अपनी बाहों में कसकर कहने लगे कि तुम्हारे होंठ कितने रसीले हैं, तुम्हारी आंखें कितनी नशीली हैं, और तुम्हारी मुस्कुराहट तो कयामत है। ये क्या कह रही हैं आप? इतना ही नहीं जनाब, फिर लाइट्स ऑफ करके आपने जो जो शरारते की, उफ हाय अल्लाह, मैं कैसे कहूँ, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है। देखिए देखिए, आपको गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसी कोई बेहुदा हरकत नहीं की। बेहुदा हरकत नहीं की? अरे आपने तो उसको यहाँ तक कहा कि हमारा प्यार हवस नहीं, एक सच्चा इश्क है, और हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। और जानते हैं फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं खुशी से झूम उठी। ओह माय गॉड नगमा, आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। ये मजाक नहीं है जनाब, इसे कहते हैं हसीन तूफान। देखना था आपको और देखा हमने, है ना हसीन तूफान? जी हाँ। क्या ये ख्वाब सच नहीं हो सकता? ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं नगमा, हकीकत नहीं। लेकिन कुछ ख्वाब सच भी तो हो जाते हैं ना असलम। आंटी बॉल दे दो। ये लो बेटा, क्या नाम है आपका? एंथनी। बहुत अच्छा नाम है एंथनी। सूजी को भी बहुत पसंद है। सूजी? सूजी कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। आंटी आपका कोई बेटा नहीं है? नहीं एंथनी, अभी हमारी शादी नहीं हुई। तो ये अंकल आपके बॉयफ्रेंड है? हाँ एंथनी। अंकल ये आंटी बहुत अच्छे हैं, आप उनसे जरूर शादी कीजिए। अगर इन्होंने मुझसे शादी की ना तो मैं बच्चों की रेलगाड़ी बना दूंगी। छुक छुक गाड़ी? आंटी मैं इस रेलगाड़ी का गार्ड बनूंगा। कितना प्यारा बच्चा है। तुम्हें बच्चों का बहुत शौक है? बहुत, मगर सिर्फ देखने का ही नहीं, पैदा करने का भी शौक है। तुम हमें अपना कर तो देखो असलम, हम तुम्हें ढेर सारे बच्चों का बाप बना देंगे, और फैमिली प्लानिंग वाले भी हमें गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ।
नगमा के बारे में सोच रहे थे। नगमा तुम्हारी जिंदगी की एक नई सुबह है। नहीं असलम, नगमा रुखसार के लिए एक काली रात है जिसकी कोई सुबह नहीं। नगमा असलम की जिंदगी की खुशियों भरी वो रात है जो असलम औलाद की दौलत से माला माल कर देगी। अगर तुमने नगमा से शादी की तो रुखसार के कलेजे में लगने वाली चोट इतनी गहरी होगी जिसमें हजारों समुंदर भी डूब जाए तब भी उसकी गहराई का अंदाजा नहीं हो सकता। लेकिन रुखसार तो खुद चाहती है कि औलाद की खातिर असलम दूसरी शादी कर ले। असलम को औलाद की खुशियां देने के लिए ये रुखसार की कुर्बानी का जज्बा है। वो तो जिंदगी भर सौतम नाम का जहर भी पीने को तैयार है। लेकिन असलम, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उस पर जुल्म करो। औलाद की इतनी ही तमन्ना है तो यतीम खाने से बच्चे को गोद भी तो लिया जा सकता है। नहीं, रुखसार को एक ऐसी औलाद चाहिए जिसकी रगों में असलम का खून हो, दादा हजूर के खानदान की चमक हो। और नगमा, नगमा तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ है असलम जहां से औलाद की खुशियों की आवाजें आ रही हैं। असलम, दुनिया में हजारों ऐसे घर हैं जो औलाद की खुशियों से महरूम हैं, तो क्या वो अपनी बीवी के प्यार को ठुकरा दे और औलाद की खातिर नया घर बसा ले? अगर तुमने नगमा को ना अपनाया तो दादा हजूर का खानदान तुम पर ही खत्म हो जाएगा और ये इल्जाम सिर्फ तुम्हारे सर जाएगा। तुम्हारे बुजुर्गों की रूहें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। तुम्हारा मतलब है खानदान के नाम को जिंदा रखने के लिए असलम रुखसार के प्यार का गला घोटते, उसको सिसक सिसक कर तड़प तड़प कर जीने पर मजबूर कर दे? तो क्या नगमा की मोहब्बत को ठुकरा कर उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दे, उस मासूम बेखता को अंधेरों में कर्क कर दे? असलम, तुम्हें आज फैसला करना होगा। तुम्हें फैसला करना होगा असलम। फैसला करना होगा। दुनिया में कोई भी औरत अपना शौहर और अपना बिस्तर नहीं बांट सकती। रुखसार मुझसे इतना प्यार करती है, मेरी खुशी में उसके कहे कहे जीते हैं। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है मेरा। वक्त ने कैसे दोराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है मुझे, जहां से कदम ना तो आगे बढ़ते हैं और ना पीछे हटते हैं। मेरे खुदा, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। क्या बात है असलमिया, बहुत प्यार आ रहा है। चेहरे पर वही लाली उभर आई है जो हमारी पहली मुलाकात में उभर आई थी। तुम क्या समझती हो, दूर जाऊंगा तो तुम्हारे प्यार को भूल जाऊंगा? आओ रुखसार मेरी जान, आज की रात हम वैसी प्यार करें जैसे शादी की रात किया था। आओ मेरे पास में। रुखसार, I love you. अरे छोड़ो ना। हाय अल्लाह, आपने लाइट ऑन क्यों कर दी? मुझे शर्म आती है, ऑफ कर दीजिए ना प्लीज। बेगम साहिबा, वो अंधेरे की बात थी, अंधेरे में हो गई, अब उजाले की बात हम उजाले में करेंगे। ऐसी क्या बात है, बोलो ना। रुखसार, तुम चाहती थी ना मैं दूसरी शादी कर लूं? हाँ, तो आपने हमारी बात मान ली? हाँ रुखसार, गोवा में एक लड़की से मुलाकात हुई थी। अल्लाह, खुश कर दिया आपने हमें तो। इससे ज्यादा खुशी का मौका और हमारी जिंदगी में क्या हो सकता है? बताइए ना, कौन है वो खुश नसीब? सच कह रही हो रुखसार? अपनी जान की कसम, कहिए ना, कौन है वो खुश नसीब? उसका नाम नगमा है, इसी शहर में रहती है। तो फिर देर किस बात की है, दादा हुजूर से कहकर हवेली में शहनाइयां भिजवा दीजिए। दूसरी शादी? जी दादा हुजूर। हम दूसरी शादी की इजाजत नहीं दे सकते। नहीं दादा हुजूर, ऐसा मत कहिए, खुदा के लिए हाँ कर दीजिए, वरना हमारे सारे ख्वाब जल जाएंगे। हमारी झोली में वो खुशियाँ डाल दीजिए जो इनकी दूसरी बीवी की औलाद से मिलेंगी। हाँ कर दीजिए दादा हुजूर, हाँ कर दीजिए। हाँ कहने का हक हमारा नहीं, तुम्हारा है। सिर्फ तुम्हारी इजाजत से ही ये शादी हो सकती है। हाँ दादा हुजूर, हमारी इजाजत है दादा हुजूर। अल्लाह तेरे जैसी बेटी हर घर में पैदा करे, उम्र दराज हो। आओ असलम, आओ।
मामू जान ये असलम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वाह 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 वाह। अरे भाई शक्ल देखी तो यकीन आया कि हमारी भांजी क्यों दीवानी हुई फिर रही है। मैं नगमा का मामू अजगर, अजगर खान, और ये नगमा की ममानी जान। जी मैं ये भाई तुम्हारे बोलने से पहले ही हमें ये रिश्ता कबूल है, फकत तुम्हारी हाँ का इंतजार है बस। नगमा का हाथ मांगने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी रुखसार माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मैं नगमा का हाथ मांगने आया हूँ। असलम मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नगमा नगमा मेरी बात तो सुनो, मुझे समझने की कोशिश करो नगमा। वो क्या समझेगी असलम मियां, मैं समझ गया। तुम समझी? बिल्कुल समझ गई। हमारी भांजी की तकदीर में नंबर टू ही होना लिखा है। ये से बीवी नहीं सौतन बना के रखेंगे। अरे नंबर दो और सौतन तब बनेगी जब निकाह होगा। असलमिया तुम्हारी बीवी में नुक्स है, इसलिए वो बच्चे की माँ नहीं बन सकती ना। जी हाँ दुनिया भर के डॉक्टर्स की यही राय है। और तुम्हारे बारे में डॉक्टर्स की क्या राय है? जी मेरे बारे में? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी नहीं आप मुझे पागल लगते हैं। जी जी शादीशुदा होके भी हमारी भांजी का हाथ मांगने चले आए? अजी जानबूझकर हम अपनी भांजी की खुशियों का गला कैसे घोट दें? नहीं असलमिया नहीं, नगमा अब तुम्हारी शरीके हाथ नहीं बन सकती। भांजी इससे कह दो कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं है। लेकिन मामू जान मैं असलम की मोहब्बत को भुला नहीं सकती। अब चाहे वो मुझे जिस हाल में भी रखे मैं रह लूंगी, चाहे बीवी बनाकर या सौतन बनाकर। सौतन नहीं नगमा, तुम मेरे दिल की मलिका बन के रहोगी। सिर्फ जबान से कह देने से क्या होगा? आप मेरी बात पर यकीन कीजिए मियां। आज जमाना सिर्फ बातों पर यकीन करने का नहीं है, लिखा पढ़ी का जमाना है। तुम इसके दिल पर अपनी मोहब्बत का जादू चला चुके हो, उसे तो हम मिटा नहीं सकते, पर इसके आने वाले कल को संवारना तो हमारा फर्ज बनता है ना। मामूजान आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। तो बरखुरदार हमारी एक शर्त है। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है मामूजान। शादी के बाद तुम्हारी सारी जायदाद की वारिस मेरी भांजी की होने वाली औलाद होगी। बाबूजान ये कैसी शर्त रख रहे हैं आप? बेटी ये सब तेरी खातिर कर रहा हूँ। अरे तुझे अभी दुनिया की ऊंच नीच का क्या पता नगमा? ठीक कहती है तेरी ममानी जान। बाबूजान अगर सब कुछ मेरी औलाद के नाम हो जाएगा तो फिर रुखसार के नाम क्या रह जाएगा? ये सोचना हमारा काम नहीं है बेटी, हम तो तेरी सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि कल शादी के बाद कहीं तुझ पर या तेरी औलाद पर किसी किस्म की तकलीफ ना आए। क्यों असलम तुम्हें ये शर्त मंजूर है? जी हाँ मुझे सब मंजूर है। मंजूरी सरकारी कागजात पर होगी, तुम्हारे दादा हजूर, तुम्हारी बीवी रुखसार और तुम उस पर दस्तखत करोगे कि तुम्हारी सारी जायदाद की हकदार सिर्फ नगमा की औलाद होगी। ये किन शर्तों पर रिश्ता मंजूर कर रहे हैं आप लोग? ये सब गलत है। परेशान मत हो नगमा, मुझे तुम्हारी खातिर हर शर्त मंजूर है। अजगर है मेरा नाम, मैं डसता नहीं निकल जाता हूँ। क्या ये हवेली सारी जायदाद कारोबार रुपया पैसा सब नगमा के होने वाली औलाद के नाम किया जाएगा तब ये शादी होगी? जी दादा हुजूर। बेटे शादी ब्याह के रिश्ते शर्तों पर नहीं रखे जाते, शर्तों पर होने वाली शादी हमें कतई मंजूर नहीं। नहीं नहीं दादा हुजूर ऐसा मत कहिए, वरना घर आई खुशियाँ लौट जाएंगी। खुशियाँ नहीं बेटी, हमें तो बर्बादी की आंधियाँ आती नजर आ रही हैं। नहीं दादा हुजूर अल्लाह न करे इस हवेली पर कभी कोई आफत आए। बेटी तूने अभी दुनिया देखी नहीं है और हमने आसमान का बदलता रंग देखकर आने वाले तूफान का अंदाजा लगा लिया है। ऐसा कुछ नहीं होगा दादा हुजूर, हम पर यकीन कीजिए, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन इस हवेली की खुशियों को आग नहीं लगने देंगे। दादा हुजूर दस्तखत कर दीजिए, क्योंकि अब नगमा मुझसे अलग नहीं और ना ही उसके होने वाली औलाद मुझसे जुदा है। हम सब के जिस्म अलग अलग जरूर हैं, मगर जान एक ही है। आपको हमारी कसम दादा हुजूर, दस्तखत कर दीजिए। रुखसार हम तुम्हारे कहने से दस्तखत किए देते हैं,
मगर याद रखना, यह जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। शुक्रिया दादा हुजूर। ये लो, हम सबने खुशी खुशी ये पेपर साइन कर दिए। नगमा, इस खुशी के मौके पर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम दोगी मुझे? हाँ हाँ बोलो। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाने का हक, तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाने का हक। बोलो नगमा, ये हक दोगी मुझे? हाँ हाँ जरूर। स्टेज पर जाने का वक्त आ गया नगमा। चलो नगमा। इरादा नहीं है क्या? अरे घर कैसे जाए जाने मन, हम तो घर जाकर किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई जानू? दादा हुजूर को परदादा बनने का शौक है और हम दो बीवियों के शोहर होकर अभी तक बाप नहीं बन सके तो उन्हें परदादा कैसे बनाए। अब देखिए ना, हमारी कोशिश तो जारी है, ये बात और है कि अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। हंसने की वजह जानना चाहते हो तो फिर मिठाई खिलानी होगी। फिलहाल तो आप किसी से मुंह मीठा कर लीजिए और बताइए बात क्या है। तो फिर घर चलने की तैयारी कीजिए, असलम साहब आपकी कोशिश कामयाब हुई। सच? सच सच। मैं बाप बन गया। दादा हुजूर।
हवेली को रोशनियों से सजा दीजिए, गरीबों में खैरात बांटिए, जश्न मनाइए, मेरी बहन माँ बनने वाली है। हाँ बेटी, बड़ा शानदार जश्न मनाएंगे। आइए आप लोग तशरीफ रखिए। जी हम खड़े ठीक हैं। क्यों भाई, कुछ खफा हो किसी से? नवाब साहब, हम नहीं चाहते कि हमें खून के आंसू रोना पड़े। साफ साफ लफ्जों में कहिए, कहना क्या चाहती हैं? नवाब साहब, अभी अभी हमारी भांजी की गोद भरी है, हम नहीं चाहते कि वो गोद उजड़ जाए। कैसी मनहूस बात करती हैं आप। सुनने में बात जरा कड़वी है नवाब साहब, मगर है सच। अगर बांज का साया किसी हामला औरत पर पड़ जाए तो वो हमल जाया हो जाता है, और आपकी बड़ी बहू एक बांज है। लगाम दो अपनी जबान को। मगर बदकिस्मती की लगाम को कौन खींच सकता है नवाब साहब? अगर इस बांझ का साया पड़ने से मेरी नगमा और इसका बच्चा मर गए तो? मामू जान, आप ये कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हैं? दकियानुसी बातों में ही सच्चाई छुपी होती है। हमारे मोहल्ले में दो बहनें थी, बड़ी बहन बांझ थी और छोटी बहन माँ बनने वाली थी, मगर उस बांझ का साया पड़ने से छोटी बहन का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, और अपने बच्चे के गम में बेचारी खुद भी चल बसी। बंद करो ये घटिया बातें, हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते। ओहो, आपके मानने या न मानने से कुदरत थोड़ी मान जाएगी। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ नवाब साहब कि नगमा के बच्चा होने तक रुखसार का रहने का इंतजाम इस हवेली से बाहर कहीं कर दिया जाए तो बेहतर होगा। अजगर साहब, हमारी बर्दाश्त का इतना इम्तहान न ले, हम तैश में आकर ये भी भूल जाए कि हम इंसान हैं। रुखसार इस हवेली की पहली बहू है, उसे इस हवेली से हमारे जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी कोई नहीं निकाल सकता। हाँ ठीक है ठीक है, आप खफा मत होइए नवाब साहब, हम तो सिर्फ आपके आने वाले पोते की जिंदगी की हिफाजत के लिए कह रहे थे। हाँ अगर रुखसार इस हवेली से बाहर नहीं रह सकती तो बच्चा होने तक नगमा और असलम हमारे साथ नगमा के घर में रह सकते हैं। जिसे जहां रहना है रहे, मगर रुखसार इसी हवेली में रहेगी। चलो नगमा बेटी, अपने घर चलो। रुक जाओ नगमा, मैं अपने अबू जान के घर चली जाऊंगी। छोड़ो 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 मेरी भांजी को, उन्हें मेरे सारे ख्वाब जल जाएंगे। चलो नगमा, खुदा के लिए घर छोड़कर मत जाओ, मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ, मत जाओ। चलो मुमानी जान, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नगमा, जो हम कहते हैं वही करो, तुम्हें इस हवेली का वारिस जिंदा पैदा करना है। चलो असलमिया। असलम, खुदा के लिए घर छोड़कर मत जाओ। मामू जान, हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक हो, लेकिन बच्चे को रुखसार की नजर नहीं, दुआएं लगेंगी। आप जज्बाती हो रहे हैं असलमिया, जज्बात की रौ में बहकर अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी की रिस्क मत लीजिए। हाँ असलम, मामू जान ठीक ही कह रहे हैं। रुखसार, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन अगर यह बात सच हो गई तो जिंदगी भर के लिए तुम पर एक तोहमत लग जाएगी। इतना बर्दाश्त कर लिया है तो थोड़ा और बर्दाश्त कर लो, ये दिन भी गुजर जाएंगे, और फिर हमारे घरों के बीच फासले हो जाने से हमारे दिलों के बीच फासले थोड़ी हो जाएंगे। असलम, घर चलो। नहीं असलम। हमजा ऐसा कहीं आपको दिल भर न मिलेगा।
मुबारक हो नवाब साहब, आपकी बहू माँ बनने वाली है। दादा हुजूर। डॉक्टर साहिबा, ये क्या कहा आपने? मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा है, एक बार फिर से कहिए। हाँ नवाब साहब, पर दादा बनने वाले हैं आप, एक बार फिर से मुबारक हो। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ आपने भी यही कहा था कि हमारे बहू के नसीब में माँ बनने की खुशियाँ नहीं है। नवाब साहब, हम तमाम डॉक्टरों से बड़ा भी एक डॉक्टर है, और वो है दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सहू, ये करिश्मा, अचानक ये सब कैसे हो गया? दादा हुजूर, ये करिश्मा सब अल्लाह की मर्जी है। बहू, मुझे ये पूछते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है, आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे? ये उस दिन की बात है दादा हुजूर, जब असलम गोवा से आने वाले थे। उस दिन मैं पीर बाबा की दरगाह पर उनकी खुशियों के लिए दुआ मांगने गई थी। पीर बाबा, आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि असलम नगमा को अपने शरीक हयात की शक्ल में कबूल कर ले, और दादा हुजूर की सुनी हवेली औलाद की खुशियों से आबाद हो जाए। आमीन तुम आमीन। ये लो बाबा। इल्लल्लाह। जा बेटी, तेरी मुराद पूरी होगी, इन गरीबों के भूखे पेट से निकली हुई दुआएं तेरा दामन खुशियों से भर देगी। हाँ हाँ बेटी, इस फकीर की बात खाली नहीं जाएगी, तेरी वो उम्मीद पूरी होगी जिससे तू ना उम्मीद हो चुकी है। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे खुदा, तुझे तेरे प्यारे रसूल का वास्ता, इस फकीर की बात रख ले, इसकी मुराद पूरी कर दे। ये फूल ले, अल्लाह के हुक्म से, फकीर की दुआ से तेरी गोद में फूल जैसा बच्चा खेलेगा। जा, इल्लल्लाह, 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 इल्लल्लाह। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बहू को औलाद की खुशियों से नवाज कर आज मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। बहू, आज तो झूमने को दिल कर रहा है। झूम रे दादा झूम, झूम रे दादा झूम, झूम, झूम रे दादा झूम, झूम रे दादा। हेलो, हम नवाब जलालुद्दीन बोल रहे हैं, जरा बरखुरदार असलम को फोन पर बुलवाइए। असलम, ये इस वक्त अपने दोस्तों के साथ खुशियों में डूबे हुए हैं, बुलाना नामुमकिन है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, मैंने बता दूंगा। मियां, आपको सुनकर बहुत तकलीफ होगी, बेहतर यही है कि उन्हीं से कही जाए। तो ठीक है, आज खुशी के मौके पर अगर आप तकलीफ वाली बात ना ही कहें तो बेहतर होगा। खुदा हाफिज नवाब साहब। दादा हुजूर, अस्सलाम वालेकुम। दादा हुजूर। आदाब दादा हुजूर। लगता है ये बुड्ढा जरूर कोई तकलीफ वाली बात सुनाने आया है। जीते रहो, अल्लाह हमेशा खुश रखे। दादा हुजूर, आपने क्यों ज़हमत की? आप फरमाते मैं खुद हाजिर हो जाता। आप यहाँ से टेलीफोन तक चलकर तो आ नहीं सकते, तो हमारे घर तक चलकर कैसे आते? जी दादा हुजूर, ये भी तो आप ही का घर है, आइए ना, तशरीफ रखिए। शुक्रिया बेटी। दादा हुजूर, आपने टेलीफोन किया था? हाँ, फरमाइए। असलम, तुम्हें सुनकर तो बेहद खुशी होगी, लेकिन शायद कुछ लोगों को। खैर, असलम मियां, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत हो गई है, रुखसार तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। सच दादा हुजूर? हाँ बेटे, मुबारक हो। आपको भी दादा हुजूर। बेटी, असलम की औलाद की पहली खुशी लेकर तुम हमारे पास हवेली आई थी,
और आज असलम की दूसरी औलाद की खुशी सुनाने के लिए हमें चलकर तुम्हारे घर आना पड़ा। खैर, हम तो सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहते हैं कि शादी के बाद बेटी का घर उसकी ससुराल होती है। तुम्हारी हवेली तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब चाहो बेटी अपने घर आ जाना। हम और रुखसार बखुदा दिलो जान से तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। शुक्रिया दादा हुजूर। अच्छा तो अब हम चलते हैं। आज गर्मियां खुशियां मनाइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज दादा हुजूर। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? दुनिया भर के डॉक्टरों की यही राय थी, तो अचानक सारे डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कैसे हो गई? रुखसार माँ कैसे बनने वाली है? तुमने मासूम नगमा की जिंदगी के साथ एक खिलवाड़ किया है। उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर एक खूबसूरत धोखा दिया है तुमने उसे। अगर रुखसार ही माँ बन सकती तो मुझे दूसरी शादी करने की जरूरत ही क्या थी? अपनी सारी जायदाद नगमा की औलाद के नाम करने का सवाल ही नहीं उठता था। रुखसार बांझ होने की तोहमत कभी बर्दाश्त नहीं करती। हकीकत तो यह है कि जो कुछ हुआ वो धोखा नहीं, अल्लाह की मर्जी है, उसका करम है। अगर आज खुदा ने रुखसार के दामन में औलाद की नेमत डाल दी है तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि अब इस खानदान में एक नहीं दो दो चिराग जगमगाएंगे और हम सब खुशी खुशी हवेली में एक साथ रह सकेंगे। इसी में हमारी भलाई है नगमा। बेटी, कहीं गलती से भी दोबारा उस छत के नीचे मत चली जाना, वरना छत गिरेगी तुझ पर और मरेंगे हम सब। रुखसार असलम की पहली बीवी है और पहली बीवी की मोहब्बत शौहर के दिल में सबसे ज्यादा होती है, और अब तो वो भी माँ बनने वाली है। बेटी, उस छत के नीचे उसी का होकर रह जाएगा, वो तुझे भूल जाएगा, तू सौतन की सौतन रह जाएगी। हाँ। जरा सोच, अगर शादी से पहले उनकी सारी जायदाद तेरे होने वाले औलाद के नाम ना लिखवाते तो आज तो कहीं की ना रहती। किसी भी तरह अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में रख, वरना सारी जिंदगी पछताती रहेगी। अरे वाह जनाब, ये सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? रुखसार को मुबारकबाद देने। मैं भी आपके साथ चलूं? नगमा, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? रुखसार तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। चले। मैंने नगमा को सारा सबक पढ़ा दिया है। अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं, निकल जाता हूँ। रुखसार, रुखसार बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी असलम। रुखसार बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जान। शुक्रिया नगमा, बहुत मुबारक हो। दादा हुजूर कहाँ हैं? अभी अभी किसी काम से बाहर चले गए। आप दोनों तशरीफ रखिए, मैं मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई लेकर आती हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ हाँ, जरूर चलो। ये ले, पहले तू मुंह मीठा कर। पहले मेरी जिंदगी में जहर खोल दिया और अब मुंह मीठा करवा रही हो? ये तो क्या कह रही है नगमा? तूने हमेशा पढ़ाई लिखाई स्पोर्ट्स और ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मुझे नंबर टू रखा, मगर ऐसी भी क्या जलन कि जिंदगी भर के लिए तूने मुझे नंबर टू बना दिया? जलन? जलन और मुझे और वो भी तुझसे? हाँ, मैं पूछती हूँ कि अगर तू माँ बन सकती थी तो फिर असलम से मेरी शादी करवाने की क्या जरूरत थी? मगर तूने मुझे नंबर टू बनाने के लिए ऐसा किया, मुझे अपनी ही नजरों में गिराने के लिए ऐसा किया। नहीं नगमा, नहीं। मेरे माँ बनने की जब सारी उम्मीदें टूट चुकी थी तभी मैंने तेरे आगे आंचल फैलाकर औलाद की भीख मांगी थी। मैंने तेरी उम्मीद का दिया अपनी सारी तमन्नाओं को जलाकर रोशन कर दिया, और तूने उसी दिए से मेरा सब कुछ जलाकर राख कर दिया। नहीं मेरी जान, ऐसा मत कह, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है। तू मेरे लिए कभी कुछ नहीं कर सकती। तुझे जैसे भी यकीन आए मेरा इम्तिहान लेकर देख ले नगमा, ये मत समझना कुर्बानी सिर्फ तू ही दे सकती है। तो मैं जो कहूंगी वो करेगी? हाँ करूंगी, तू कहकर तो देख।
तो फिर जा, कहीं जाकर अपना बच्चा गिरा दे। क्या क्यों बिजलियां गिर पड़ी? मैंने तेरी खातिर अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी और तू एक बच्चा नहीं गिरा सकती? नहीं नगमा नहीं, खुदा के लिए इतनी पत्थर मत बन। ये बच्चा अल्लाह की अमानत है, तो कुछ भी और मांग ले पर उस मासूम की जिंदगी मत मांग, क्योंकि उसकी जिंदगी पर मेरा हक नहीं है। मेरी जिंदगी पर तेरा क्या हक था? मगर फिर भी तेरी खुशी के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो तू उस एहसान का बदला चाहती है? बदला नहीं, सजा देना चाहती हूँ तुझे। इस हवेली का वारिस सिर्फ मेरा बच्चा होगा, तेरा नहीं। रुखसार, अगर तू चैन से जीना चाहती है तो तुझे ये बच्चा गिराना होगा। वरना याद रख, आज तक तूने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। हेलो, कौन? हेलो असलम, नगमा कहाँ है? उसके मामूजान का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ असलम? तुम्हारे मामूजान का एक्सीडेंट हो गया? तो चलो। लेकिन रुखसार, मिठाई फिर कभी खा लेना, चलो असलम। अभी वो लोग आते ही होंगे, जल्दी से पट्टी बांधो। क्या हुआ मामूजान? अरे नगमा, तेरी डिलीवरी के लिए अस्पताल में कमरा बुक कराने गए थे और हो गया रास्ते में एक्सीडेंट। नवाब साहब ने तो पहले ही से अस्पताल में रुखसार के लिए स्पेशल कमरा बुक कर रखा है। तो क्या हुआ, नगमा के लिए भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में बेस्ट कमरा बुक करवाइए और बड़े से बड़े डॉक्टर का इंतजाम कीजिए। बहुत मुश्किल है असलम मियां, डॉक्टर्स मुंह फाड़ कर पैसे मांगते हैं और साथ में अस्पताल के लिए डोनेशन भी मांगते हैं। मामूजान, पैसों की क्या प्रॉब्लम है? बहुत प्रॉब्लम है असलमिया, नगमा बेटी के अकाउंट में कोई जा नहीं रही, मेरा मतलब है कोई माल नहीं रहा, बस ले दे के बेचारी के पास यही खानदानी मकान रह गया। जाने दीजिए मामूजान, आप हमारे लिए किसी खैराती हॉस्पिटल में ही कमरा बुक करवा दीजिए, वैसे भी हमारी वैल्यू क्या है। नगमा तुम ये क्या कह रही हो? हाँ भाई, बड़े अस्पताल तो वो जाएगी रुखसार, अब उसके नखरे उठाए जाएंगे, हमारी भांजी की क्या कदर है। अरे हमने तो पहले ही कहा था, हमारी भांजी की तकदीर में नंबर टू बनना ही लिखा है। नगमा के लिए मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है, आप जानना चाहते हैं? ये लीजिए ब्लैंक चेक और जितनी चाहे रकम भर लीजिए। मामूजान आप अभी जाइए और नगमा के लिए सारा इंतजाम शान से कीजिए। जाइए मामूजान। ठीक है बेटा, आप भी जाता हूं। आज का नाम है मेरा, मैं दस्ता नहीं निकल जाता हूं। बीबी जी, नाश्ते के बाद आप लोग विटामिन की गोलियां गेलियां खाते तो लेको आती ना? नहीं रजिया। देखा नगमा, कितनी समझदार नौकरानी रखी है मैंने। शुक्रिया साहब। अयो बाबा। कौन बाबा? ना घंटा ना दस्तक, भेड़ बकरी की तरह अंदर इस घुसे आ रही ना, देखते नहीं हमारे साथ मेम साहब नाश्ता कर रहे। कौन जी तुम्हें? तुम कौन हो बदतमीज? अजीत। अरे अरे रजिया, ये हमारे मामू और मुमानी जान है। अयो अल्लाह तोबा तोबा, मुझे माफ करना जी, मुझसे गलती हो गई ना। माशाल्लाह मामू जान, हसम हैदराबाद के चार मीनार की, मोमानी जान तो खातिल हसीना लग रही ना। आइए आइए आइए। अरे भाई, ये नया चेहरा कौन है? नई नौकरानी है मामू जान। मगर अपनी वो जोरा भी कहाँ गई? उसके शौहर को अचानक दिल का दौरा पड़ गया तो वो गाँव गई है, इसलिए मैंने नई नौकरानी रख ली। बेचारी बहुत ही गरीब औरत है। अरे बेटी, गरीब ही को तो जरूरत पड़ती है अमीर बनने की। हाँ। ओफो मामू जान, आप तो ख्वामखा किसी पर भी शक करना शुरू कर देते हैं। बेटी, दो दिन पहले मैं बंजारा होटल में कई घंटों तक एक आदमी पर शक करता रहा, वो घूर घूर कर मुझे देख रहा था।
बहुत देर के बाद मालूम हुआ कि मैं खुद ही था जो आईने में नजर आ रहा था। अरे भाई मैं उन लोगों में से हूँ जो खुद अपने आप पर शक करते हैं। नाश्ता होना मामू जान? नहीं अभी दो मिनट में बना को लाती ना। अच्छा डार्लिंग अब हम ऑफिस चलते हैं। जी आप चलिए, मैं खाना तैयार होते ही ऑफिस ले आती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ नगमा बेटी, रोज लंच लेकर ऑफिस में जाया कर खुद। हाँ रुखसार का घर रास्ते में पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी मोहब्बत उसको वहां खींच कर ले जाए। हाँ वो भी तो मां बनने वाली है। पास करो रुखसार, मोटा हो जाऊंगा। अरे ये तो तुम्हें बहुत पसंद है, बस एक चम्मच और। अरे नहीं नहीं। अरे नगमा आओ आओ। सलीम ये खाना कुत्तों को खिला दो क्योंकि ये तो खाना खा चुके हैं। अरे नहीं नगमा, हमने तो सिर्फ थोड़ा सा मीठा खाया, खाना नहीं खाया। भाई वाह, नंबर टू को नंबर वन बनाना तो कोई इनसे सीखे। मीठा तो हमेशा खाना खाने के बाद खाया जाता है, मगर इन्होंने मीठा पहले खिलाकर नंबर टू को नंबर वन बना दिया। अच्छा असलम तुम खाना खाओ, मैं चलती हूँ। नाराज होकर जा रही हो? अरे नहीं असलम, तुम दोनों से कैसी नाराजगी। अरे रुखसार तुम्हारे वो कंगन बनकर आ गए, इन्हें लेती जाओ। देखो असलम। कैसे लग रहे हैं मेरे हाथ में? बहुत अच्छे लग रहे हैं नगमा, इन्हें तुम ही रख लो। खुदा हाफिज। ये तो कुछ भी नहीं, बस देखती जाओ, एक दिन मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। चलो ड्राइवर। लेकिन मेम साहब मर्सिडीज की चाबी तो नगमा मेम साहब ने ले ली है, बोली गाड़ी साहब के लिए चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं। ये लीजिए। रुखसार ये क्या ऑटो रिक्शा में आई हो, गाड़ी क्या खराब हो गई? असलम को मर्सिडीज बहुत पसंद है ना दादा हुजूर, इसलिए मैं उनके पास छोड़ाई हूँ। अच्छा चल बेटी सूप पी ले। मामू जान मुझे भूख नहीं है। अरे मियाँ असलम जरा समझाओ इसे, ये माँ बनने वाली है, ऐसी हालत में भूखे पेट रहना ठीक नहीं। अगर सूप नहीं पीना है तो जूस पी लो। नहीं नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल नहीं कर रही। अगर जूस नहीं पीना तो दूध पी लो। हाँ। अरे तू तो खड़ी मुंह क्या देख रही, जाओ जाकर दूध लेकर। यो पहले आप लोगों का फैसला तो करना, दूध होना सूप होना कि जूस होना। अच्छा मेरे लिए एक गिलास दूध ही ले आओ। अब भी लेको आती ना। ये क्या किया? अजय ठोकर लगे ना। मैं कुछ नहीं की साहब, मैं कुछ। जब हमने पूछा ही नहीं तूने क्यों कहा कि तूने कुछ नहीं किया? हाँ? नहीं नहीं साहब, मैं क्या तो भी नहीं की, कुछ नहीं। नीच सलील औरत, बता किसकी साजिश है ये, बता वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मेरे को ना कुमारो साहब, मेरे को जाने को दो, मेरे को जाने को दो। अब तो तू सीधा कब्रिस्तान जाएगी। तूने दूध में जहर क्यों मिलाया? नगमा के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? नहीं साहब मेरी क्या तो भी नहीं, दुश्मनी तो रुखसार मेम साहब की है। उन्होंने मेरे को यहाँ नौकरानी बनाकर भेजी। नगमा मेम साहब को जहर देखो, उनको और उनके होने वाले बच्चे को मार डालना बोल को। झूठ बोलती हो तुम, बकती हो। रुखसार इतनी जलील हरकत कर ही नहीं सकती। कहीं को नहीं कर सकती साहब, कोई भी औरत करती। बोले तो आज जो जायदाद नगमा मेम साहब के होने वाले बच्चे के नाम है, फिर से उनके औलाद की हो जाती ना, फिर आप भी तो उनके हो जाते ना। क्या सबूत है तुम्हारे पास? उन्हें मेरे को बहुत सारे रुपए दिए साहब, उन्हें
ये सांप, ये उन्हें मेरे को दी। इतना सब एक गरीब आदमी को दिए तो कौन से गरीब आदमी का ईमान नहीं डोलता साहब? ये तो डॉक्टर की ब्रेसलेट है। वो मामला बिल्कुल साफ है असलमिया, अब हमारी भांजी पर हमला भी होने लगा है। क्या तुम ये सारी बातें रुखसार के सामने कह सकती हो? हाँ साहब, मैं उनके सामने बोलती। खामोश! हमारी बहू कभी ऐसा दलील कदम नहीं उठा सकती। बेवकूफों, ये तो एक ऐसी नेक औरत है कि जिसके साए में अगर शैतान भी बैठ जाए तो फरिश्ता हो जाए। दादा हुजूर, बिल्ली की लाश टेबल पे पड़ी है, दूध में जहर डालने वाली आपके सामने खड़ी है, फिर भी आप रुखसार को बेकसूर समझ रहे हैं? इस औरत को खरीदा भी तो जा सकता है, क्या सबूत है तुम लोगों के पास कि इसे रुखसार ने खरीदा है? कोई और भी तो खरीद सकता है। इसे रुखसार ने ही खरीदा है नवाब साहब, और ये रहा सबूत। दादा हुजूर, ये मेरा ये ब्रेसलेट नगमा की शादी में कहीं खो गया था। सुन लिया? सुनना क्या है, सबूत के साथ पकड़ी गई तो ब्रेसलेट खो जाने का बहाना बना दिया। असलमिया, ये अपना गुनाह कबूल नहीं करेगी, बड़ी फरेबी और मकार है ये। मैं तो कहती हूँ इसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दो। नहीं नहीं असलम, ऐसा मत करना। असलम, इस पर कोई रहमत करो, तोड़ दो इससे तमाम रिश्ते नाते। हाँ हाँ, तलाक दे दो इसे। रुखसार, अपना गुनाह कबूल कर लो, वरना मैं तुम्हें। नहीं नहीं असलम, नहीं, खुदा के लिए मुझे तलाक मत देना। मुझे तलाक मत देना असलम, मुझे ये गुनाह कबूल है। रुखसार! जी हाँ दादा हुजूर, नगमा को जहर देने के लिए मैंने ही इस औरत को भेजा था। मुझे अपना गुनाह कबूल है असलम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे कभी तलाक मत देना, मुझे कभी तलाक मत देना। रुखसार, हम जानते हैं कि तुम बेगुनाह हो, तलाक के डर से ये गुनाह अपने सर न लो, कह दो कि ये झूठ है, सरासर झूठ है। नहीं दादा हुजूर, मैं गुनहगार हूँ, मैंने ही नगमा को जहर देने की साजिश की थी। मैं तुम्हें तलाक भी नहीं दूंगा और तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, यही तुम्हारी सजा है। अरे नामुरादो, तुमने असलम की आंखों पर भी पर्दा डाल दिया है। मेरी बहू पर झूठी तोहमत लगाने वालों, निकल जाओ इस हवेली से, निकल जाओ। जाते हैं जाते हैं नवाब साहब, लेकिन याद रखिए मैं भी अजगर हूँ जो दस्ता नहीं निकल जाता हूँ। हाँ, चल तुझे तो मैं हवाला तो बंद करवाऊंगा। चल कर लीला साहब, काय को मेरे को पकड़ दे। दिल के फपोले जल उठे सीने के ताव से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये दिल बेवफा से वफा कर रहा है।
रहा तुम्हारा इनाम। क्या बाबा, हाथ तो तुम बहुत बड़ा मारे ना, फिर कभी ऐसा नाटक रहे तो बंदी को ही याद करना मियाँ। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर इस कबाड़ी की दुकान से ये पुराना झूला खरीद कर इसी झूले पर सोने का पानी चढ़वा दूं तो असल मियाँ के लाखों रुपए निकल सकता हूँ। बाबा खुदा की कसम, कैसे कैसे कभी ने आइडिया दिमाग में आते, ये आइडिया मुझे अमीर बनाकर ही छोड़ेंगे। हाँ। अरे कबाड़ी मियाँ। अच्छा अच्छा तुम्हें है क्या, ये डब्बा बेचने को आए क्या है? इसके मैं तुम्हारे को सिर्फ 2000 रुपए दूंगा। अरे ये डब्बा नहीं, ये मेरी गाड़ी है और मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। तुम इसके मालिक क्या? हाँ। सूरत से नहीं लगते ना? हैं? क्या 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 मतलब? सूरत से तुम्हें हमारी जात वाले लगते हैं। ठीक है ठीक है, ये बताओ इस झूले का क्या लोगे? अयो ये झूला? हाँ। ये तो बहुत खास झूला है भाई, 1500 रुपए से एक दमड़ी कमती नहीं लूंगा मैं। वाह 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 वाह, ये जंग पकड़े हुए झूले के 1500 रुपए, वाह। जय हजरत, ये हमारी तुम्हारी उम्र का झूला है, जंग नहीं पकड़ेगा तो और क्या पकड़ेगा भाई। इसका किस्सा सुनो, बड़े बड़े नवाबों की जो औलाद है ना, ये झूले में झूल के निकली। तुम लेके जाओ ये झूले को और झूल के निकलो। ठीक है ठीक है, झूला गाड़ी में रखो और ये लो 1500 रुपए। जय 1500 काय को देते जी, 500 रुपए मेरे से लो और ये डब्बा मेरे पास रख दो। अरे खामोश, ये झूला रखो गाड़ी में। हाँ रखता हूँ भाई। नगमा, अरे नगमा बिटिया। जी मामू जान। अरे जुल्म पर जुल्म हो रहा है, अब तू नंबर 2 पर नहीं नंबर 9 पर पहुंच जाएगी। हाँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया मामू जान? अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ बेटी, नवाब साहब ने रुखसार के होने वाले बच्चे के लिए सोने के पालने का एडवांस में ऑर्डर दे दिया है और उसमें इतने इतने मोटे मोटे हीरे जड़वाए हैं। वहाँ एक बच्चा शहजादों की तरह जिएगा और यहाँ दूसरा बच्चा भीख मंगों की तरह। हमारी बेचारी नगमा पर एक के बाद दूसरा पहाड़ टूटता रहता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, उसका बच्चा हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों में सांस लेगा और इसका बच्चा 10x10 के कमरे में, उसके लिए लंबी लंबी आलीशान बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और इसके बच्चे के लिए इसके अबू की पुरानी टूटी फूटी वही फीएट। मेरा बच्चा भी सोने के पालने में झूलेगा, उसके लिए भी आलीशान गाड़ियां होंगी, वो भी नवाबों की तरह जिएगा। ओहो तू तो जागते हुए भी खा देखती है। हाँ जी, तेरे बैंक अकाउंट की सेहत बहुत खराब है। हाँ मेरी बात मान, तू फिर से शोज और मॉडलिंग का काम शुरू कर दे। अरे सोने का नहीं, कम से कम चांदी का पालना तो आएगा। नगमा को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे बच्चे के लिए भी सोने का पालना आएगा और आलीशान गाड़ियां भी। पर ये कैसे होगा सलमिया, उसके लिए लाखों रुपए चाहिए। पालना खरीदने में खुद चलता आपके साथ, लेकिन मुझे आज एक जरूरी बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली जाना है। कितना भी रुपया लगे मामू जान, लेकिन पालना हवेली वालों से बड़ा होना चाहिए। ये लीजिए पूरी चेकबुक साइन कर दी है। असलम बेटा, मुझ पर इतना भरोसा ना करो कि मुझे अपने आप पर शक होने लगे। मामू जान, अपनों पे भरोसा किया जाता है, शक नहीं। जीत रहो बेटा, जीत रहो। आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं चलेंगी? जी हाँ चलिए। अजगर नाम है मेरा। जानते हो जी, आप डसते नहीं निगल जाते हैं। नवाब साहब, अल्लाह ने चाहा तो रुखसार बिटिया को चांद सा बेटा होगा। नवाब साहब, मुबारक हो नवाब साहब। हाँ हाँ बोलो। रुखसार मैडम को बेटा हुआ है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये लो बेटी, ये तेरा इनाम। जी नहीं। ले लो बेटी, तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया। मुबारक हो नवाब साहब। आपको भी। असल
हसन बेटे, बहुत बहुत मुबारक। अल्ताफ अहमद साहब, मुबारकबाद तो उन्हें दी जाती है जिन्हें सुनकर खुशी होती है। इन्हें तो सिर्फ इत्तला देनी है कि हमारी बहू रुखसार ने अभी अभी हमारी हवेली के वारिस को जन्म दिया है। रुक जाओ, आज हम परदादा बने हैं। ये लो, सारे अस्पताल में मिठाइयां बांट दो। सिस्टर, ये लो, सब बच्चों में मिठाइयां बांट दो। बाकी का ये रुपया गरीबों में खैरात कर दो। सेवाओं की मदद करो, भूखों को खाना खिलाओ। हमारे पोते की जिंदगी का सदका दे आओ। जाओ ले जाओ। अरे नवाज साहब ने पूरा ब्रीफ केस खाली कर दिया। दो कौड़ी की नर्स को 20,000 रुपए दे दिए, डॉक्टर को सोने की घड़ी दे दी, जैसे बाप का माल है। अरे ये सारी दौलत तो तेरी होने वाली औलाद की है और लुटाई जा रही है दुश्मनों की औलाद के सदके। देखिए डॉक्टर साहब, मेरी भांजी को बेटा ही पैदा होना चाहिए। अगर बेटी पैदा हुई ना तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा, फिर यहाँ कोई बच्चा वच्चा पैदा नहीं होगा। आप पागल तो नहीं है? क्या आप दिमाग चेक करवा के आइए? क्यों, मेरे दिमाग में कोई खलल है क्या? खलल? मुझे तो लगता है कोई दिमाग ही नहीं है। इसका मतलब है कि मैं बगैर दिमाग के जी रहा हूँ? अजी साहब, बेटा या बेटी पैदा करना ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। ऊपर वाले के हाथ में है? इसका मतलब है कि साइंस ने कोई तरक्की वरक्की नहीं की? झूम रे दादा झूम, अरे झूम रे नाना झूम। जीत रहो बेटी, जीत रहो। चांद सा बेटा मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो दादा हुजूर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सिस्टर। सिस्टर जी, वो कमरा नंबर 219 में जो मैडम है, उन्हें कोई बच्चा हुआ? हाँ मैडम, कल रात 2:30 बजे उन्हें लड़का पैदा हुआ है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, वो मेरी छोटी बहन है। तुम मेरा एक काम करोगी? जी कहिए। उन्हें मेरी तरफ से एक फूलों का गुलदस्ता दे आना और कहना रुखसार ने बहुत बहुत मुबारकबाद दी है। और हाँ, ये भी पूछना कि मैं उनके बेटे को कब देखने आ सकती हूँ। जी अच्छा। अरे ठहरो भाई ठहरो, ये बागी चली कहाँ घुसी चली आ रही हो? किसने भेजा है ये? रूम नंबर 214 की मैडम रुखसार ने भेजा है। नगमा मैडम के लिए भेजा है और बच्चे की मुबारकबाद दी है। उन्होंने पूछा है वो बच्चे को देखने कब आ सकती हैं? हाँ तुम मुझे दे दो जी। और तुम जाओ। मामू जान, फूलों को इतने गौर से क्या देख रहे हैं? रख दीजिए कोने में। अरे ये औरतों की जलन बड़ी जहरीली होती है, कुछ भी हो सकता है। इन फूलों में जहरीले सांप हो सकते हैं, बम हो सकता है, कोई काला जादू टोना हो सकता है। हाय अल्लाह, किसी ने मेरी चचाजात बहन के कमरे में जादू टोना करके गुलाब के फूल भेज दिए थे। अगले दिन मेरी बहन का इंतकाल हो गया। हाय अल्लाह। दुश्मन दुश्मन ही होता है नगमा बेटी, वो दुश्मनी का वार किए बिना नहीं चूकता। बेहतर यही होगा कि मैं ये फूल बांट दे। हाँ, हाँ, हाँ। खबरदार, रिश्ते की डोर जो टूट चुकी है उसे फूलों के जरिए कभी जोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब दूरियां नदी के दो किनारों की तरह हैं जो कभी आपस में नहीं मिल सकती। औरत की आहों में वो तपिश होती है जो हजारों नदियों को सुखाकर जमीन बना सकती है। जब नदी ही नहीं रहेगी तो किनारे भी नहीं रहेंगे। तुम चाहे नदी सुखा दो या समुन्दर, पर इतना अच्छी तरह से जान लो कि अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चल पाएगी। तुम्हारी औलाद को जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं अगर चाहूं तो शरीयत के हिसाब से, इस्लामी कानून के हिसाब से सारी जायदाद में अपने बेटे का आधा हिस्सा आज भी मांग सकती हूं।
मगर मैं मांगूंगी नहीं, क्योंकि नगमा का बेटा भी मेरा ही बेटा है। ऐसी हजारों जायदाद उस पर कुर्बान है। चले जाइए यहाँ से, खुदा के लिए चले जाइए। जैसा तुमने कहा है, अगर वैसा नहीं हुआ तो याद रखना, अजगर है नाम मेरा। मैं डसता नहीं, निकल जाता हूँ। रुखसार बेटे। दादा हुजूर, आपकी छोटी बहू नगमा को भी बेटा हुआ है। दादा हुजूर, अब एक बार जाकर नगमा के बेटे को गले लगा लीजिए, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। नहीं बेटी, ये हमसे नहीं हो सकेगा। दादा हुजूर, हमारी हवेली में औलाद नाम की पहली खुशी वही मासूम लेकर आया था। शायद उसी के मुबारक कदमों से हमें औलाद की दूसरी खुशी देखना नसीब हुई है। लेकिन रुखसार। दादा हुजूर, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, उस बच्चे के लिए भी खैरात कीजिए, उसकी जिंदगी का भी सदका कीजिए। रुखसार। दादा हुजूर, जिस तरह आपने मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखकर उसकी लंबी उम्र की दुआ की है, उसी तरह नगमा के बच्चे के सर पर हाथ रखकर उसकी लंबी उम्र की दुआ कीजिए। लेकिन तुम समझने की कोशिश। दादा हुजूर, जाइए, मेरी खातिर जाइए दादा हुजूर। रुखसार बेटी, फरिश्तों को देखने की हमारी बड़ी तमन्ना थी, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है कि अल्लाह मियां ने हमारी तमन्ना पूरी कर दी। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, तुम्हारी खातिर, तुम्हारे असलम की खातिर। झूठ रे दादा, झूठ, झूठ। अच्छा नगमा, तुम घर जाओ, मुन्ना अकेला है। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तेरी तो मैं
मेरी जान, मैंने भी सारा माल लपेट कर स्विट्जरलैंड भिजवा दिया है। हाँ, अब बस थोड़े ही दिनों में नवाब के सारे खानदान को तबाही का लिबास बनाकर हम यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। ठीक है, नगमा तो नहीं आ रही। अजगर नाम है मेरा, मैं दस्ता नहीं, निकल जाता हूँ, निकल जाता हूँ। ये मुन्ना क्यों रो रहा है मामू जान? रो मत बेटा, रो मत। अरे बेटी, असली सोने के पाले में झूल तो रहा है मगर अपनी तकदीर को रो रहा है। अरे ये ऊंची हवेली के खानदान का खून है, इस छोटे से घर में बेचारे का दम घुटता होगा। ये मासूम कुछ कह तो सकता नहीं, रोकर ही अपना दुखड़ा सुना रहा है। नगमा की जान के दुश्मन और उसका बेटा तो वहाँ हवेली में ऐश कर रहे हैं, जबकि सारी जायदाद और उस हवेली का असली हकदार तो नगमा का मुन्ना है। इसे इसका हक क्यों नहीं दिलवा देते आप? अरे ये काम तो नगमा बिटिया के एक ही इशारे में हो सकता है। मेरे इशारे में? हाँ, मगर कैसे? बिटिया, तू मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दे, फिर देख, तीन ही दिनों में मैं तुझे उस हवेली की मालिका बना दूंगा और इस मुन्ने को वहाँ का शहजादा। अरे निकाल फेंकूंगा उस बुड्ढे को, रुखसार को और उसकी औलाद को। रुखसार, तूने मेरी मोहब्बत और दोस्ती देखी है, अब मेरी नफरत और दुश्मनी भी देख। अब देख मैं कैसे नंबर वन बनकर दिखाती हूँ। नगमा बेटी। हा? जी। असलम मियां लंदन से वापस कब लौट रहे हैं? उन्हें लंदन से जर्मनी भी जाना है, करीब 10 दिन लग जाएंगे। बेटी, ये काम असलम के आने से पहले हो जाना चाहिए, वरना वो जज्बात की दीवार बनकर हमारे बीच में खड़ा हो जाएगा। ठीक है मामू जान, आप पावर ऑफ अटॉर्नी लाइए, मैं दस्तखत करती हूँ। अजगर है मेरा नाम, मैं डसता नहीं, निकल जाता हूँ। असलम, देखो हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, वही आंखें, वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। तुम्हारा दूसरा बेटा भी इतना ही प्यारा और खूबसूरत होगा, है ना? पता नहीं मुझे उसका चांद सा चेहरा देखना कब नसीब होगा। बेटे, ये देखो, ये तुम्हारे पापा हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें कभी गलत मत समझना। एक दिन गमों के ये बादल भी छट जाएंगे, फिर खुशियां ही खुशियां होंगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। हमारे बेडरूम में बगैर इजाजत अंदर आने की जुर्रत कैसे की तुमने? मैंने कहा था ना नवाब साहब, अजगर है मेरा नाम, और आज मैं आपकी हवेली, आपका बेडरूम, सब कुछ निकल गया हूँ। निकल जाओ यहाँ से। नीची 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 आवाज रखिए नवाब साहब। खामोश। मैं तेरी बोटी बोटी उड़ा दूंगा। नहीं दादा हुजूर, खुदा के लिए ऐसा गजब ना कीजिए। हट जाओ बेटी, बहुत हो चुका, आज ये नहीं या हम नहीं। आपको हमारी कसम दादा हुजूर, बंदूक फेंक दीजिए। वकील साहब, बता दीजिए ने कि नगमा ने पावर ऑफ अटॉर्नी अब मुझे दे दी है, इसलिए अदालत के हुक्म से ये हवेली, ये बेडरूम, ये सारा कारोबार और जायदाद सब कुछ हमारा हो गया है। ये लीजिए कोर्ट के ऑर्डर्स। नवाब साहब, आप सबको अभी और इसी वक्त ये हवेली छोड़नी पड़ेगी। दादा हुजूर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटी, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, ये तो सब परवरदिगार का खेल है। वैसे हमने सोचा था कि इस हवेली से हमारा जनाजा निकलेगा, लेकिन आज जिस हाल में हमें निकलना पड़ रहा है, ये भी एक जनाजा है, हमारी इज्जत का जनाजा। खैर खैर बेटी, जा मुन्ना को उठा ला, जा।
और अब्बा झूम। आजा मेरे पास। मेरी जान दे टोटे, अजगर नाम है मेरा। नहीं नहीं नहीं, नवाब अजगर खान साहब नाम है मेरा। क्या मियाँ, बोटियां तोड़ रहे, बिरयानियां हड़प रहे? अरे मियाँ, क्या किस्मत खुल गई ना आपकी। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? क्या है ना बाबा, मेरे पास बिरयानी के पैसे खत्म हो गए, मेरे को भी खाना बोल के। अच्छा, तू फिर से पैसे मांगने आ गई है? अजी, मांगने को फकीर आते मियाँ, मैं तो मेरे सर्विस चार्ज वसूल करने आई जी। आखिर कब तक वसूल करती रहोगी ये सर्विस चार्ज है? क्या बाबा, मैं तो चुटकी भर लेती ना, लेकिन तुम्हें तो दोनों हाथों से समेट रहे ना। ये लो, ले जाओ इसे और निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। हाँ, ऐसा ना को बोलो बाबा, मेरा दिमाग घूमे तो ऐसा चक्कर घुमाती कि जिंदगी भर जेल में चक्की का पाटा पीसते रहते ना। तुम नहीं जानते बाबा, मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ती। ये पहली मुसीबत है जो अजगर को निकल रही है। अरे दादा हुजूर। आदाब दादा हुजूर। जीती रहो बेटी। आदाब काजी साहब। जीती रहो बेटी। आइए ना, तशरीफ रखिए। बेटी नगमा, आप सैयद काजी मोहम्मद अहमद साहब हैं। बेटी नगमा, हम शरीयत मोहम्मदी इस्लामी कानून के मुताल्लिक तुम्हें कुछ बताने आए हैं। जी फरमाइए। इस्लामी कानून में दोनों बीवियों और उनकी औलाद को दौलत और जायदाद में बराबर का हिस्सा मिलता है। काजी साहब, मगर दादा हुजूर तो सब कुछ मेरी औलाद के नाम लिख चुके हैं। उस वक्त रुखसार से औलाद पैदा होने की उम्मीद नहीं थी, लिहाजा अब रुखसार और उसका बेटा दौलत और जायदाद में उतना ही हकदार हैं जितना तुम और तुम्हारा बेटा। इसलिए रुखसार और उसके बेटे को दौलत और जायदाद में आधा हिस्सा देना होगा। जी। बेटी, अगर तुमने ये हक देने से इनकार किया तो ये जान लो कि इस्लामी कानून की इज्जत हिंदुस्तान की हर अदालत करती है। यह हक अदालत के जरिए भी हासिल किया जा सकता है। आप कागजात बनवा लीजिए काजी साहब, मैं दस्तखत कर दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आइए नवाब साहब, 2 दिन तक रुखसार का बच्चा जिंदा रहेगा तो उसे हिस्सा मिलेगा ना। ना बचेगा बच्चा और ना मिलेगा हिस्सा। ये बम उस सफेद गाड़ी में जाके लगा दो। जाओ। दादा हुजूर, आपकी घड़ी की दुकान आ गई। क्या हो गया? नहीं मुन्ना, रोना नहीं। अरे नहीं। अरे भाई सलीम मियां। आदाब नवाब साहब। ये घड़ी चलते चलते अचानक रुक गई है। जी मैं देख लेता हूं। अरे नहीं यार, रोते नहीं है बेटे। अब ये क्यों नहीं मानेगा? मैं इसके लिए खिलौने ले आता हूँ। अरे बेटे, मम्मी खिलौना ला रही है अभी। ये वाला दिखाना। Hey!
यस मैं बोल रही मियां, वही बला जो शीशे से पत्थर को तोड़ती। क्या बाबा, तुम्हें तो करोड़ रुपए आंटी में डाल लिए, मेरे को क्या दिए, संतरे के छिलटे। एक काम करो ना बाबा, मेरे को आज एक 5 लाख रुपए होना। अच्छा 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 अच्छा, तुम्हें 5 लाख रुपया चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तुम ऐसा करना कि आज रात को 9 बजे मुझे कब्रिस्तान में मिलना। कौन से कब्रिस्तान में? वही जिसमें रुखसार के अब्बा और उसके बच्चे को दफनाए सो। हाँ वही कब्रिस्तान। हाय कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा। तो चलिए आज हम भी आपको एक प्लेजेंट सरप्राइज देते हैं। रियली? चले चले। नगमा, तुम हमें इस हवेली में क्या लाई हो? यही वो प्लेजेंट सरप्राइज है असलम। दादा हुजूर और तुम चाहते थे ना कि हम अपने ससुराल में रहें। तो क्या दादा हुजूर और रुखसार तुम्हारे यहाँ रहने से खुश हैं? अब वो यहाँ नहीं रहते। क्या मतलब? नवाब साहब और रुखसार को नगमा का आकर इस हवेली में रहना गवारा नहीं हुआ। हमने बड़ी मिन्नत की, बड़ा इसरार किया, नवाब साहब आप यहीं रहे, हमारे साथ रहे, लेकिन वो रुखसार और उसके बच्चे को लेकर कहीं और चले गए। उसके बाद ऐसी अनहोनी हुई। अनहोनी? कैसी अनहोनी? ऐसी अनहोनी हुई। अल्लाह रुखसार को सब्र दे। क्या हुआ रुखसार को? इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जो बच्चा पैदा हुआ था वो बेचारा बम के धमाके में मारा गया। क्या? बच्चे के साथ साथ रुखसार के अब्बा भी उस हादसे का शिकार हो गए। उन जालिम कातिलों ने सोचा था कि चारों ही खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने नवाब साहब और रुखसार को बचा लिया। रुखसार और दादा हुजूर इस घर से चले गए, रुखसार का बच्चा और उसके अब्बू जान इस दुनिया से चले गए। यही प्लेजेंट सरप्राइज देने के लिए तुम मुझे लेकर आई थी? Yes. रुखसार घर में है? यहाँ कोई रुखसार नहीं रहती। ये मरहूम अल्ताफ अहमद साहब का घर है ना? उनके इंतकाल के बाद सरकार ने ये मकान हमें दिया है। शुक्रिया। अरे वाह, तुम्हें तो वादे के बहुत पक्के निकले ना। लाओ जी मेरा माल लाओ। ये लो। ये क्या मजाक जी? ये मजाक नहीं, कब्र तक जाने वाले अपने साथ राई मीटर कफनी लेकर जाते हैं, सरकारी नोट नहीं। क्या मतलब जी तुम्हारा? मतलब अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं, निकल जाता हूँ। कौन है वहाँ? कौन है? Ah!
आधे में टैक्सी लाइए। जी। ऑपरेशन कामयाब हुआ है और पेशेंट को सुबह तक होश आ जाएगा। ओके। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को होश आ गया है, अगर आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। जुर्रत कैसे की? हाँ। निकल जाओ यहाँ से। निकालना ही है तो सबसे पहले इसको निकालो जी। एक नंबर का जहरीला आदमी है ये। तुम्हारे घर में नौकरानी बना को इनोच मेरे को लेकर आया ना। दूध में जहर डाल को टेबल पे गिराने का ड्रामा भी इनोच मेरे को करने को बोला। रुखसार भी का ब्रेसलेट भी ये शैतानी दिया ना मेरे को। तोबा तोबा तोबा, अल्लाह मुझे गलत कर दे अगर मैंने ये सब कुछ किया हो तो। नगमा बेटी, ये बेकाबू औरत है। पहले इसे रुखसार ने खरीदा था और आज इसे इस्लामिया ने खरीद लिया है। कल तुझे ये जहर पिलाने आई थी और आज तेरे दिल में मेरे खिलाफ जहर उड़ेलने आई है। अरे भाई इस्लामिया, इस तरह मेरी भांजी के सामने जलील करके मुझे हवेली से बाहर निकालने की साजिश कर रहे हो? मैं ये जिल्लत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इस हवेली को अभी इसी वक्त छोड़कर चला। नहीं मुझे नहीं, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मेरे होते हुए आपको इस हवेली से कोई नहीं निकाल सकता। नगमा अब भी वक्त है, दोस्तों और दुश्मन को पहचानो वरना। नगमा मुझे लगता है हमारे खिलाफ कोई जबरदस्त चाल है। चाल तो मैं तुम्हें लोगों के बदल दूंगी। माटी मिलो, जेल भिजवा के चक्की नहीं पिसवाया था, मेरा भी नाम नहीं। तुम्हें लोग क्या जानते, मैं वो बड़ा हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ती। असलम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि चाराने में बिकने वाली औरत को खरीद कर तुम मेरी आंखों में धूल झोंकने आओगे। बहुत पछताओगी तुम, देख लेना एक दिन ये दोनों तुम्हें खून के आंसू रुलाएंगे। चलो। सुन लिया बेटी, सुन लिया। ये कमबख्त बच कैसे गई? बड़ी जहरीली औरत है ये बेगम। दो तीन दिन में जितना माल हाथ लगे बटोर कर यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना सारी जिंदगी हम दोनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। हाँ तुम इस कुर्सी पर? जी हाँ जनाब, इस कुर्सी पर बैठते ही मैंने सारा कारोबार संभाल लिया है। I say, get up from the chair. मैं जानता था नवाबी खून जरूर जोश मारेगा, लेकिन वकील साहब मैंने ये बता दीजिए कि अब इस कुर्सी से मुझे ये तो क्या इनके फरिश्ते भी नहीं उठा सकते। हाँ मैं कहता हूँ all of you get out of here, वरना मैं। असलम मियां, ये रहा कोर्ट का ऑर्डर। ओरिजिनल ऑर्डर आपके दादा हुजूर को दे दिया गया है। आपकी सारी जायदाद नगमा के बच्चे के नाम है और नगमा ने पावर ऑफ अटॉर्नी अजगर साहब को दे दी है। अब इन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और हाँ वकील साहब, इन्हें जरा वो दूसरी बात भी बता दीजिएगा। और हाँ, आज के बाद आप इस ऑफिस में कभी नहीं आएंगे, आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरी जान दे टोटे, अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं निकल जाता हूँ। हाँ। वाह नगमा वाह, तुम्हारी वफा को मैं कभी नहीं भूल सकता। और मैं भी तुम्हारी बेवफाई को कभी नहीं भूल सकती। कैसी बेवफाई? उस रोज जब तुम दिल्ली जा रहे थे, तुमने मुझे एयरपोर्ट से ये कहकर रवाना कर दिया था कि मुन्ना घर पर अकेला है, इसलिए ना कि रुखसार तुमसे मिलने आने वाली थी। रुखसार मुझसे नहीं, अपने अबू जान से मिलने आई थी। और तुम लौट कर बाहर मुझसे मिलने आए थे? हाँ तुमसे मिलने आया था। मेरी फ्लाइट 3 घंटे लेट थी, लेकिन जब तक मैं बाहर आया तुम जा चुकी थी। अगर फ्लाइट लेट थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया, घर क्यों नहीं आए? मगर नहीं असलम, तुम रुखसार की मोहब्बत को भुला नहीं सके। जिस औरत ने मेरी और मेरे बच्चे की जान लेनी चाहिए, तुम उसी को चाहते रहे। I hate you असलम, I hate you। भैया आधा किलो भिंडी दे। Thank you.
आदाब दादा हुजूर। जीती रहो बेटी, आज के बाद तुम काम पे नहीं जाओगी। आपकी खिदमत करने का हक मत छीने आप मुझसे दादा हुजूर। अगर असलम काम करते, आपकी खिदमत करते, तो क्या आप उन्हें भी काम नहीं करने देते? लेकिन बेटी, दादा हुजूर, जब से अब्बू और मुन्ना अल्लाह को प्यारे हो गए, तब से काम में दिल लगाकर उन्हें भूलने की कोशिश करती हूँ। दादा हुजूर, अब मेरे अब्बू नहीं रहे तो आप ही मेरे अब्बू हैं। असलम हमसे रूठ गए तो मैं ही आपके लिए असलम हूँ। अरे हाँ, देखिए तो सही दादा हुजूर, आज मैं क्या लाई हूँ। भिंडी, असलम को बहुत पसंद है ना? उसका नाम न लो हमारे सामने, जिसने तुम्हारी खुशनुमा जिंदगी को धूल में मिला दिया। ऐसा ना कहिए दादा हुजूर, इसमें असलम का क्या कसूर? उन्होंने वही देखा जो उन्हें दिखाया गया। अल्लाह एक दिन सब ठीक कर देगा। मैं खाना पकाती हूँ। दादा हुजूर, बिस्मिल्लाह कीजिए। बेटी, तू असलम के लिए रोज प्लेट लगा देती है, वो बदल गया है, वो अब नहीं आएगा। दादा हुजूर, पता नहीं क्यों मेरा दिल उनके कदमों की आहट महसूस कर रहा है। क्यों लगता है जैसे वो यहीं कहीं है। दादा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए दादा हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए दादा हुजूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। बेटे, माफी हमसे नहीं, इस नेक औरत से मांग, इसने कभी तुम्हारे जुल्म की शिकायत नहीं की, कभी उफ तक नहीं की। रुखसार, नहीं असलम, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। असलम, बिस्मिल्लाह। मुन्ना को देखा ही नहीं, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। वही आंखें, वही नाक नक्शा, वही तुम्हारे जैसी प्यारी प्यारी सी मुस्कुराहट। उसकी बहुत याद आती है असलम, बहुत याद आती है उसकी। क्या बात है मामूजान? अरे मामूजान, मामूजान, मगर मामूजान बात क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो ये सोच कर रो रहा हूँ कि अगर तूने उस झूठी औरत की बातों पर यकीन कर लिया होता तो मैं तो जीते जी मर गया था ना। और मैं ये सोच रही हूँ कि रुखसार ने असलम के दिल में तुम्हारे खिलाफ कितना जहर घोला होगा और अब भी वही कर रही होगी। वो नौकरानी, इसका मतलब है कि असलम रुखसार के पास पहुँच चुका है। मैंने कहा था ना कि शौहर के दिल से पहली बीवी की मोहब्बत कभी नहीं जाती। सोच, कुछ सोच बेटी, इस दिमागी उलझन से निकलने का कोई रास्ता सोच। अब असलम तेरा नहीं रहा। मेरी बात मानो तो मुझसे तलाक ले। अब तलाक लेकर ही तुझे सुकून मिल सकता है। कौन? नगमा, तुम? अरे आओ, अंदर आओ, आप बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं, असलम से मिलने आई हूँ, उन्हें बुलाओ। हाँ हाँ, असलम, देखो हमारे घर खुशियाँ लौट आई है। अरे जल्दी बाहर आओ। कौन है? आप लोग बैठिए ना,
मैं नगमा के लिए थम्स अप लेकर आती हूँ। इस झोपड़ी में तुम्हारा दम नहीं घुटता असलम, चलो हमारे साथ हवेली चलो। हवेली तुम्हें मुबारक हो नगमा, मैं इस घर में रुखसार के साथ बहुत खुश हूँ। इस घर की चटाई में फूलों के बिस्तर से भी ज्यादा चैन की नींद आती है, जानती हो क्यों? क्योंकि इस घर में प्यार है, प्यार। तुम अपने गरीबी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो असलम। मैं तुम्हें आज और अभी सारी दौलत, कारोबार, सारी जायदाद लौटाने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम सिर्फ मेरे होके रहोगे। मैं तुम्हारा कब होके नहीं रहा नगमा, सिर्फ तुम मेरी नहीं हो सकी। तो फिर मेरे पास लौटाओ असलम, मैं नहीं चाहती कि तुम रुखसार जैसी गिरी हुई औरत के साथ रहो। खबरदार जो रुखसार की शान में कोई गुस्ताखी की। मेरा कहा मानो असलम, मेरे पास आ जाओ और रुखसार को तलाक दे दो। असलम, हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उसी का होकर रहे, ठीक है? अगर तुम रुखसार को तलाक नहीं दे सकते तो फिर मुझे तलाक दे दो। तुम जैसे बेवफा शौहर के लिए घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दूं। ठीक है, जब जी चाहे तलाक ले लेना, लेकिन उस वक्त के आने के पहले मैं तुम्हारी आंखों में पड़े गलतफहमी को उस पर्दे को हटा दूंगा जिसकी वजह से तुम्हें सच्चे और झूठे की पहचान नहीं है। चलो मेरे साथ। नगमा ये लो। असलम, पता चला? हाँ। वो रहा, वो बैठा शराब पी रहा है ना। बच्चे की जान लेते हुए तुम्हारी रोने ही काफी, उसके फूल जैसे बच्चे को तुमने बम से उड़ा दिया। कितने जलील, कितने कमीने, कितने हैवान हो तुम दोनों वैसी दरिंदों को खुदा भी कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। देखो, तुम्हारी फजूल बकवास सुनने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, चलो ताला खोलो, हमें एयरपोर्ट जाना है। चला एयरपोर्ट नहीं कमीनो, यहाँ से तुम सीधा जेल ही जाओगे, पुलिस अभी आती ही होगी। पुलिस? नगमा सीधी तरह से ताला खोलो वरना। ताला तो पुलिस के आने के बाद ही खुलेगा। तो ठीक है, फिर हम इस डुप्लीकेट चाबी से ताला खोल लेंगे। हाँ मुन्ना, रुक जा, अजगर है नाम मेरा, मैं दस्ता नहीं निकल जाता। लाओ चाबी मुझे दो जल्दी। चलो
हमें पुलिस की गोली से बचाने वाली एक मासूम ढाल है ये। हमारे स्विट्जरलैंड जाने का वीजा है ये वीजा। हमें कोई नहीं रोक सकता। याद रखो, किसी ने हमें रोका, रुखसार के बच्चे को तो हमने मिट्टी में दफनाया था, लेकिन इसे मैं स्विट्जरलैंड की ठंडी ठंडी बर्फ में दफनाऊंगा। जल्दी करो, अरे पुलिस आती हो। मुझे दे दो। बंद करो इसे, मैं कहता हूँ बंद करो। कमीना कुत्ता, मेरा बच्चा मुझे दे दो। बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरे पास है। तुम बच्चा मेरे हवाले कर दो वरना। मेरे गुनाहों की कहानी। जज साहब, मुझे मेरे गुनाहों की ऐसी सजा दी जाए जो आज तक कानून के तारीख में किसी भी गुनहगार को न दी गई हो। मुझे मेरे गुनाहों की इतनी संगीन सजा दी जाए जो हजारों मौत से भी बदतर हो, जिससे मेरा जिस्म ही नहीं, मेरी रूह भी ता कयामत तड़पती रहे। मेरे रूह को कभी सुकून नसीब न हो, मेरे रूह को कभी सुकून नसीब न हो। अदालत ने नगमा की कहानी सुनी और इस मुकदमे पर गौर करने के लिए यह अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मैं जानती हूँ मेरे गुनाहों की सजा कानून के पास बहुत कम है, इसीलिए मैंने अपनी सजा खुद तजवीज की है। क्या किया मेरी जान? नगमा, नगमा, मेरी मौत ही मेरे गुनाहों का कफारा है रुखसार। नहीं नगमा, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। असलम, इसे फौरन अस्पताल ले चलो। रुक जाओ असलम। मेरी सरताज, मेरा सफर खत्म हुआ। बस चंद लोगों की मेहमान हूँ, मुझे छोड़ के मत जा। नहीं नगमा, नहीं, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती। जा रही हूँ रे, लेकिन चंद लोगों में मुझे बहुत कुछ कहना है। ये मुन्ना है ना, ये मुन्ना, ये तेरा बेटा है रुखसार। इसे खुदा ने तेरे लिए पैदा किया है। दादा हुजूर, अपनी बेटी के गुनाह बख्श दीजिए। बेटी, तेरे गुनाह तो अल्लाह भी बख्श देगा। नहीं, आज मैं नंबर वन हो गई रे। मैं तुझसे पहले जा रही हूँ। Allah Muhammad Rasulullah.
अल्लाह।